हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छा हूँ। शुरू कर रहे हैं हम क्वेश्चन बैंक के सेशंस। क्वेश्चन बैंक के सेशंस में सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इंड एस 12 इनकम टैक्सेस। ऑलराइट, आप जैसा कि देख पा रहे हैं हमारा क्वेश्चन बैंक इंड एस 12 की अगर बात करें कंपाइलर, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने 16 दिए हुए हैं। ये जो 16 क्वेश्चंस हैं, ये 16 क्वेश्चंस हमने आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस और जो आईसीएआई ने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं नए, हम उनमें से हम वो सारे क्वेश्चंस अब डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं बीच बीच में, मतलब जैसे 16 क्वेश्चंस हैं तो हो सकता है इन 16 क्वेश्चंस में से दो चार क्वेश्चंस रिपीटेटिव बेसिस पे आ रहे होंगे फिगर्स चेंज करके। तो अगर मैंने ऐसा एक क्वेश्चन आपको डिस्कस किया होगा इसमें, तो मैं दूसरा उसी टाइप का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप वो क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन हम इसी क्वेश्चन बैंक के लेक्चर में डिस्कस कर चुके होंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आरटीपी क्वेश्चंस की, ठीक है ना। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपन आरटीपी क्वेश्चन। आरटीपी क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 मई 18 आरटीपी का। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। ए लिमिटेड प्रॉफिट Before tax, according to Ind AS, for the year 11-12 is 100,000 and taxable profit for the year 11-12 is 104,000. वो कह रहा है एक कंपनी है जिसका अकाउंटिंग प्रॉफिट, बिफोर टैक्स मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट हुआ पीबीटी 100,000 हुआ और टैक्सेबल प्रॉफिट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 104 हुआ। द डिफरेंस बिटवीन दीज अमाउंट अरोज एज फॉलोज। अब ये 100 और 104 में डिफरेंस किस चीज का है, ये डिफरेंस किस चीज का है? 1 फरवरी इट एक्वायर्ड अ मशीन ऑफ 120,000, ठीक है ना, 120,000 का मशीन खरीदा था। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द मशीन ऑन अ मंथली बेसिस फॉर द अकाउंटिंग पर्पस। हाँ, ये तो हम जानते हैं इस बात को कि कंपनीज एक्ट में जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डे वाइज चार्ज करते हैं, जबकि इनकम टैक्स में वो 180 डेज का कॉन्सेप्ट होता है। अंडर द टैक्स लॉ मशीन विल बी डेप्रिशिएटेड फॉर 6 मंथ्स। अच्छा, वो कह रहा है कि इनकम टैक्स में ये मशीन करंट ईयर में सिर्फ 6 मंथ्स के लिए डेप्रिशिएट होगी, क्योंकि हमने फरवरी 2012 में खरीदा है। द मशीन यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर्स अकॉर्डिंग टू इंडियस एज वेल एज फॉर द टैक्स पर्पस। दोनों टैक्स पर्पस के लिए और बुक्स में, दोनों में लाइफ सेम है, बट बुक्स में डे वाइज डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और इनकम टैक्स में 6 मंथ्स का चार्ज होगा करंट ईयर में। अब यहां पर आप ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि यहां पर टेम्पररी डिफरेंस अराइज होगा। In the year 11-12, expense of 8,000 were incurred for the charitable donations. These are not deductible for tax purpose. Point to be noted, my lord, कि ये कह रहा है कि जो 8,000 का जो charitable donation है ना, ये tax में deductible नहीं है। मतलब ये हो गया आपका permanent difference एक तरीके से, permanent difference हो गया एक तरीके से। सर इंडेस 12 में तो परमानेंट डिफरेंस कोई वर्ड ही नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोई वर्ड ही नहीं है। बट हमने जब इंडेस 12 पढ़ा था, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है, मैंने उनको ये क्लियर कट बताया था कि देखो बेटा आपको ये पहचानना पड़ेगा कि डिफरेंस आगे चल के रिवर्स हो सकता है कि नहीं। अगर आगे चल के डिफरेंस रिवर्स नहीं हो सकता है तो उस डिफरेंस को हम बोलेंगे परमानेंट डिफरेंस। ऐसे केस में इंडेस 12 ये कहता है, इंडेस 12 ने परमानेंट डिफरेंस वर्ड यूज नहीं किया, पर इंडेस 12 कहता है कि ऐसे केस में टैक्स बेस की वैल्यू को कैरिंग अमाउंट के बराबर रख दो, ताकि डिफरेंस ही क्रिएट ना हो, ताकि डीटी रिटेल बनाने की जरूरत ही ना पड़े। तो आप दोनों तरफ से सोच सकते हो, या तो आप इसको बोलो परमानेंट डिफरेंस है, या तो आप ऐसा बोलो कि इसका टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट के बराबर होगा। दोनों केसेस में आप डीटी रिटेल नहीं बनाओगे, तो इस 8,000 के ऊपर डीटी रिटेल नहीं बनेगा, ऊपर डेप्रिसिएशन वाले आइटम पर जरूर डीटी डीटेल बनेगा। आगे डिस्कस करते हैं। You are required to prepare the necessary entries on 31st March 12, taking current and deferred tax into account. Tax ka rate 25%. Also prepare the tax reconciliation in absolute numbers as well as tax rate reconciliation. Ek tax reconciliation banana hai in numbers form, figures mein, aur ek rate ke form mein reconciliation. Main aapko ek choti si cheez bata dun. Ye maine Ind AS 12 padhate waqt batai thi. कि जब भी आपको वो रिकंसिलेशन बनाने को बोले, ठीक है ना, तो आपको दो चीजों का रिकंसिलेशन करना है। एक टैक्स, एक्चुअल टैक्स रेट जो कि 25% दिया हुआ है, और इफेक्टिव टैक्स रेट। इफेक्टिव टैक्स रेट क्या होता है? टैक्स एक्सपेंस डिवाइडेड बाय अकाउंटिंग इनकम, और इन दोनों का रिकंसिलेशन आपको करना पड़ेगा। दूसरा, टैक्स रिकंसिलेशन अगर वो नंबर्स में बोले तो आपको टैक्स रिकंसिलेशन करना है
आपको किस चीज का टैक्स रिकंसिलेशन करना है, टैक्स एक्सपेंस को रिकंसाइल करना है अकाउंटिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट, टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट उसका रिकंसाइल करना है। और एक गोल्डन रूल बताया था, जब भी ये रिकंसिलेशन बोलेगा तो याद रखना रिकंसिलेशन तभी रिक्वायर्ड होता है जब कोई परमानेंट डिफरेंस आएगा। मतलब जो भी ये दोनों के दोनों रिकंसिलेशन पूछ रहा है, आपका रिकंसिलेशन कंप्लीट होगा बिकॉज ऑफ परमानेंट डिफरेंस। रिकंसिलेशन बनाया ही इसलिए जा रहा है क्योंकि वो परमानेंट डिफरेंस आने वाला है। अब मैं आपको इस पूरे क्वेश्चन में बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन चल रहा है तो कुछ कुछ चीजें मैं आंसर से ही डिस्कस करूंगा और कुछ कुछ चीजें हम कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक सेकंड का मुझे दो मिनट टाइम दीजिए, मुझे कैलकुलेटर देखना पड़ेगा। ऑल राइट, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले वो ऊपर बोल रहा है कि भाई आप कुछ नेसेसरी एंट्रीज बताइए टेकिंग करंट टैक्स एंड डेफर टैक्स इनटू अकाउंट। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स है मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन होगा और टैक्सेबल प्रॉफिट है 104, ये डेप्रिसिएशन का कुछ ना कुछ लफड़ा होगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं, पहली चीज आपको करंट टैक्स निकालना चाहिए। तो करंट टैक्स किस पे निकलता है, करंट टैक्स निकलता है टैक्सेबल इनकम के ऊपर। तो टैक्सेबल इनकम है आपकी 104, उसके ऊपर आप 25% करोगे, तो 104 का 25% 26, तो करंट टैक्स आ गया आपका 26, ठीक है ना। तो करंट टैक्स की एंट्री क्या होगी, करंट टैक्स की एंट्री होगी करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट टू करंट टैक्स लायबिलिटी अकाउंट 26, अंडरस्टूड। अच्छा दूसरा अब हम देखते हैं कि आपका डेफर्ड टैक्स कितना निकलेगा। डेफर्ड टैक्स के लिए मुझे क्या चाहिए, मेरा डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करने के लिए मुझे चाहिए सबसे पहले मशीन कितने की है। मैं फॉर्मेटिंग पर ध्यान नहीं दे रहा हूं क्योंकि हमें क्वेश्चन बैंक बहुत डिटेल में करना है और हम एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, ताकि हमारे सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। तो क्वेश्चन बैंक डिस्कस करते वक्त मैं फॉर्मेटिंग का ध्यान नहीं दूंगा, फॉर्मेटिंग के लिए आपको सॉल्यूशन आपके सामने है। मशीन हमारा कितने का है, मशीन हमारा है 120 का। अच्छा ऊपर आप लिखोगे रुपीज इन थाउजेंड्स, सारे फिगर थाउजेंड्स में ऑलरेडी है, मशीन आपका है 120 का। अब आप ध्यान से देखिएगा, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन कितना क्लेम करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन कितना क्लेम करोगे। तो उसमें लिखा है मंथली बेसिस पे क्लेम करेंगे, मंथली बेसिस पे। आपने फर्स्ट फरवरी को लिया तो फरवरी मार्च दो महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 120, ठीक है ना, इसकी लाइफ कितनी है 10 इयर्स इनटू 2 बाय 12, ठीक है ना, 120 डिवाइडेड बाय 10, तो ये होगा आपका डेप्रिसिएशन 2 रुपीज का। तो इसका मतलब यहां पर आपका कैरिंग अमाउंट आ गया 118 कैरिंग अमाउंट आ गया 120 में से 2 का डेप्रिसिएशन माइनस हुआ, कैरिंग अमाउंट आ गया 118। जबकि डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में आपका जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना लगेगा, 6 मंथ्स का लगेगा। तो 120 का कॉस्ट है, 10 इयर्स का लाइफ है, इनटू 6 बाय 12, तो 120 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 12, तो ये 6 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ये डेप्रिसिएशन 6 का आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास टैक्स बेस रहेगा 120 माइनस 6, तो 114। अब आप देखेंगे दोनों के बीच का टेम्पररी डिफरेंस कितना आ गया, चार रुपए का टेम्पररी डिफरेंस कितना आ गया,
₹4 का. ये टेम्पररी डिफरेंस किस नेचर का है? ये टेम्पररी डिफरेंस किस नेचर का है? ये टेम्पररी डिफरेंस का नेचर क्या है? टेम्पररी डिफरेंस का नेचर ढूंढते हैं अपन. टैक्स आपका कैरिंग अमाउंट है 118 और टैक्स बेस है आपका नीचे. टैक्स बेस है आपका नीचे, अंडरस्टूड. हमें हमेशा अपने कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस तक पहुंचाना है. मैंने आपको रिकंसिलेशन टेक्निक बताई हुई है. आप कैसे करोगे? कैरिंग अमाउंट आपका ऊपर है 118, टैक्स बेस 118 इज अ कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस इज 114. मैं टैक्स बेस को टच नहीं कर सकता, टैक्स बेस इज कॉन्स्टेंट. आई हैव टू एडजस्ट द कैरिंग अमाउंट. तो कैरिंग अमाउंट को मुझे नीचे करना पड़ेगा. कैरिंग अमाउंट असेट का नीचे हो रहा है, असेट नीचे हो रही है मतलब लाइबिलिटी. तो कहीं ना कहीं दिस इज अ टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस. दिस इज अ टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस. इसको अलग तरीके से देखते हैं लॉजिकली. फ्यूचर में मुझे 114 का डिडक्शन मिलेगा डेप्रिसिएशन के फॉर्म में. फ्यूचर ईयर्स में मुझे 114 का डिडक्शन मिलेगा डेप्रिसिएशन के फॉर्म में. जबकि मैं क्लेम करूंगा अपनी बुक्स में 118, तो मेरा 4 का डिसअलाउ होगा फ्यूचर में. तो फ्यूचर में लाइबिलिटी क्रिएट होगी. तो मुझे इसके ऊपर DTL क्रिएट करने दो 25% के टैक्स के अकॉर्डिंग, 25% ऑफ द टैक्स, ठीक है ना. तो 4 का 25%, तो ये हो जाएगा 1. तो 1 का क्या क्रिएट होगा? DTL. अब DTL अगर 1 का क्रिएट होगा तो उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू DTL 1, ठीक है ना. सॉरी 1, समझे? अच्छा, अब इससे क्या हुआ? अब इससे हमारा टैक्स एक्सपेंस आ गया. टैक्स एक्सपेंस आ गया, इससे हमारा टैक्स एक्सपेंस आ गया कितना? करंट टैक्स प्लस डेफर टैक्स लाइबिलिटी 26 + 1 = 27. ये मेरा आ गया टैक्स एक्सपेंस, ठीक है. मैंने एंट्री कर ली करंट टैक्स वाली और मैंने एंट्री कर ली P&L वाली. अच्छा, करंट टैक्स वाली जो एंट्री होती है उसकी दूसरी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू करंट टैक्स एक्सपेंस, ठीक है ना, 26. अंडरस्टूड? एंट्री पूछ रहा था, एंट्री कर ली. अब हमें क्या करना है? अब हमें दूसरी चीजें करनी है. हमें रिकंसिलेशन करना है, हमें रिकंसिलेशन बनाना है. अब ध्यान से देखिएगा, रिकंसिलेशन इसमें पहला रिकंसिलेशन हमें नंबर्स में करना है. रिकंसिलेशन हमेशा दो आइटम के बीच में होता है. कौन से दो आइटम? एक आपका टैक्स एक्सपेंस एक्चुअल में कितना है. तो अगर आप देखोगे तो टैक्स एक्सपेंस है आपका 27, ठीक है ना. ये रिकंसिलेशन इधर फर्स्ट रिकंसिलेशन बोल दो इन नंबर्स. तो टैक्स एक्सपेंस आपका 27 है. मुझे टैक्स एक्सपेंस को रिकंसाइल करना है. मुझे टैक्स एक्सपेंस को रिकंसाइल करना है किसके साथ? अगर मैं अकाउंटिंग इनकम के ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करूं, मेरी अकाउंटिंग इनकम कितनी है 100 के ऊपर अगर मैं टैक्स रेट अप्लाई करूं तो कितना आएगा? 100 का 25% कितना आएगा? 25. कितना आएगा? 25. अंडरस्टूड? अब आप सोचिए, टैक्स एक्सपेंस 27 है जबकि अकाउंटिंग इनकम 20, अकाउंटिंग इनकम के ऊपर डायरेक्ट टैक्स निकाल रहा हूं तो 25 है. दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन से हो सकता है, वो होगा आपका परमानेंट डिफरेंस. वो होगा आपका परमानेंट डिफरेंस. परमानेंट डिफरेंस आपका कितना का था? 8 रुपीज का था. तो 8 रुपीज का अगर 25% करोगे तो वो आएगा 2 रुपए, और ये 2 रुपए उसी के कारण है. तो आपका इसमें से माइनस होगा परमानेंट डिसअलाउंस. परमानेंट डिसअलाउंस आपका 8 रुपीज के ऊपर 25% करोगे तो ये आपका 2 रुपए आएगा. एंड ये बन गया आपका रिकंसिलेशन. हमेशा रिकंसिलेशन टैक्स एक्सपेंस को कंपेयर करते वक्त आप किससे कंपेयर करोगे? अकाउंटिंग इनकम के ऊपर टैक्स रेट निकालोगे. हम रिकंसिलेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम अकाउंटिंग इनकम के ऊपर टैक्स रेट निकालते हैं तो टेक्निकली हमारा टैक्स एक्सपेंस आना चाहिए, और अगर वो नहीं आ रहा है तो पक्की बात है कि कुछ परमानेंट डिसअलाउंसेस है, कुछ परमानेंट डिफरेंसेस है, ठीक है. अब
इसी का हम एक और रिकंसिलेशन बनाएंगे, रिकंसिलेशन बनाएंगे टैक्स परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक है ना। कैसे हम बोलेंगे भाई हमारा एक्चुअल टैक्स रेट कितना है, एक्चुअल टैक्स रेट कितना है, एक्चुअल टैक्स रेट है 25%, और हमारा इफेक्टिव टैक्स रेट कितना है। अब आप बोलोगे सर ये इफेक्टिव टैक्स रेट क्या होता है, तो इफेक्टिव टैक्स रेट होता है आपका टैक्स, इफेक्टिव टैक्स रेट हमेशा मतलब आपके पीएनएल के बेसिस पे निकलेगा, पीएनएल के बेसिस पे निकलेगा। पीएनएल में जाओ आपका टैक्स एक्सपेंस कितना है और उसके उसके ऊपर आपका आपका अकाउंटिंग इनकम कितना है। तो टैक्स एक्सपेंस है आपका उसमें 27 डिवाइड बाय अकाउंटिंग इनकम कितना है आपका 100, तो ये हो गया आपका इफेक्टिव टैक्स रेट कहीं ना कहीं 27%। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा है, एक्चुअल टैक्स रेट और इफेक्टिव टैक्स रेट हमेशा सेम होना चाहिए, पर डिफरेंस क्यों आ रहा है। डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि परमानेंट डिसअलाउंस है। परमानेंट डिसअलाउंस कितने का है, 8 रुपीज का, कितने के ऊपर, 100 रुपए के ऊपर, 8 रुपीज का 100 रुपए के ऊपर, 2% का फर्क आ रहा है ना, हाँ 2% का फर्क आ रहा है, तो ये परमानेंट डिफरेंस के ऊपर है, तो ये परमानेंट डिफरेंस आपका कितना हुआ, 8 रुपीज का। अब देखिए ये आपका इफेक्टिव टैक्स रेट आ रहा है 27% और एक्चुअल टैक्स रेट आपका आ रहा है 2% 25%, तो 2% का क्या डिफरेंस होगा। यहां पर आपका 2 रुपए का 2 रुपीज का क्या था, ये देखिए आपका 2 रुपीज का यहां पर 2 रुपीज का आपका क्या था, परमानेंट डिसअलाउंस था, 2 रुपीज का इफेक्ट यहां पर। तो बेसिकली ये जो 2% का डिफरेंस है ना, ये बिकॉज ऑफ 8% 8 रुपीज का वो जो डिफरेंस है जिसके ऊपर आप 25% का टैक्स इफेक्ट निकालोगे तो वो 2 रुपीज आएगा, और 2 रुपीज डिवाइडेड बाय 100, हमारी 100 इनकम है, तो ये कहीं ना कहीं 2% का इफेक्ट, 2% का इफेक्ट हमारा आया परमानेंट डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंस के ऊपर। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपका 27 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपका रिकंसिलेशन बनता है, ठीक है ना, इस तरीके से आपका रिकंसिलेशन बनता है। ये देखिए 25 to 27 इस तरीके से आया, अंडरस्टूड गाइस। तो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर द रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन तब बनता है जब आपके परमानेंट डिफरेंसेस होते हैं, अंडरस्टूड, आप इसको नोट कर लीजिए। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज डन, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स लिमिटेड, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड प्रिपेयर्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब इस बार जो हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसमें हमें डीटीए डीटीएल की बातें तो करनी है पर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं करनी है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर करनी है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च द फॉलोइंग इवेंट्स अफेक्टेड द टैक्स पोजीशन ऑफ द ग्रुप, मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डीटीए डिटेल सीटीए सीटीएल करंट टैक्स डेफर टैक्स का इफेक्ट देखना है। पहला पॉइंट, वाई लिमिटेड अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ एक्स लिमिटेड मेड अ लॉस
एडजस्टेड फॉर द टैक्स पर्पस। अब देखो सब्सिडरी के पास एक लॉस पड़ा हुआ है, सब्सिडरी के पास एक 30 लाख रुपीज का लॉस रखा हुआ है, ठीक है ना, ये हो गया कैरी फॉरवर्ड लॉस। वाई लिमिटेड इज अनेबल टू यूटिलाइज दिस लॉस अगेंस्ट द प्रीवियस टैक्स लाइबिलिटीज, इनकम टैक्स डज नॉट अलाउ वाई लिमिटेड टू ट्रांसफर द टैक्स लॉस टू द अदर ग्रुप कंपनीज। देखो सिंपल सी बात है, हमारे इंडिया में कभी ऐसा नहीं होता कि सब्सिडरी का लॉस होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो जाए, ऐसा नहीं होता। अमेलगमेशन के कुछ प्रोविजन अलाउड हैं, पर होल्डिंग सब्सिडरी में ऐसा नहीं होता। अमेलगमेशन इज अ डिफरेंट थिंग, जहां सामने वाली कंपनी बंद हो जाए, उसको हमने टेक ओवर किया, उसके लॉसेज हमारे पास आ गए, पर आपकी सब्सिडरी एक अलग कंपनी है, अलग एंटिटी है, होल्डिंग अलग एंटिटी है, तो सब्सिडरी कंपनी का लॉस होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं हो सकता। अब क्या ऐसे केस में डीटीए बन सकता है क्या? हमने पढ़ा है इंडियस 12 में कि जो कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस होते हैं उनके ऊपर डीटीए बन सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आपको फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, या फिर आपके पास सफिशियंट टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस होने चाहिए जो सेम ईयर में रिवर्स हो रहे हो जिस ईयर में आप उन कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का बेनिफिट लेना चाह रहे हो, ठीक है ना, या फिर आपके पास कोई टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी हो। यहां ये बोल रहा है कि भाई वाई लिमिटेड के पास 30 लाख का लॉस पड़ा हुआ है, वाई लिमिटेड इज अनेबल टू यूटिलाइज दिस लॉस अगेंस्ट द प्रीवियस टैक्स लायबिलिटीज, ये लॉस यूटिलाइज नहीं हो पाया, इनकम टैक्स वाई लिमिटेड को अलाउ नहीं कर रहा है कि वो एक्स लिमिटेड के प्रॉफिट से उसको सेट ऑफ करे। हाउएवर इट अलाउज वाई लिमिटेड टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस, हालांकि इनकम टैक्स ने बोल दिया वाई लिमिटेड क्योंकि तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, एंड यूटिलाइज इट अगेंस्ट कंपनीज फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट, तुम उसको आगे वाले आने सालों में अगर तुम अगर प्रॉफिट अर्न करोगे, तुम मतलब वाई लिमिटेड अगर अर्न करेगा होल्डिंग नहीं, तो तुम अपने ही प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो, उसके लिए प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए ना। डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड डू नॉट कंसीडर दैट वाई लिमिटेड विल मेक टैक्सेबल प्रॉफिट इन द फोर्सिबल, एक्स लिमिटेड के डायरेक्टर्स को पता है कि ये वाई लिमिटेड आने वाले कुछ साल तक तो फोर्सिबल फ्यूचर तक तो हमें दिख नहीं रहा कि वो कोई प्रॉफिट अर्न कर पाएगी, वो कोई प्रॉफिट अर्न कर पाएगी, हमें समझ नहीं आ रहा, हमें दिख नहीं रहा। ऐसे केस में क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली ऐसे केस में डीटीए नहीं बनाना चाहिए, यहां क्लियर कट डीटीए वाली बात हो रही है और डीटीए नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि डीटीए बनाने के लिए आपको फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी चेक करनी पड़ती है, या तो आपके पास सफिशियंट टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस होने चाहिए जो फ्यूचर में रिवर्स होंगे, उनके रिवर्स होने से प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है ना। दो रीजंस और होते हैं, जब आपके पास कोई टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी है जिससे आप ये बोल सकते हो कि फ्यूचर में आप टैक्सेबल प्रॉफिट अर्न कर पाओगे, जिसके अगेंस्ट आप ये लॉसेस को सेट ऑफ कर पाओगे। चौथा, इन टैक्सेबल लॉसेस का रीजन आप कॉजेज आप आइडेंटिफाई कर चुके हो और अब आपको लगता है कि फ्यूचर में ये वापस से लॉसेस अराइज नहीं होंगे, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, अल्टीमेटली डायरेक्टर्स को लगता है कि ये प्रॉफिट में नहीं आने वाली, तो इसके ऊपर हम टैक्स डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट नहीं करेंगे। तो कुल मिला के नो डीटीए, हम इसके ऊपर डीटीए क्रिएट नहीं करेंगे। दूसरा, जस्ट बिफोर 31 मार्च 2018, ईयर एंडिंग से जस्ट पहले, एक्स लिमिटेड जो मतलब जो होल्डिंग कंपनी है कमिटेड इटसेल्फ टू क्लोजिंग अ डिवीजन आफ्टर द ईयर एंड, ईयर एंड से पहले होल्डिंग कंपनी ने कहा कि हम ईयर एंड के बाद अनाउंसमेंट कर दी, ईयर एंड से पहले कि हम 31 मार्च के बाद एक डिवीजन बंद कर देंगे, हम अपना एक यूनिट को बंद कर देंगे, डिपार्टमेंट डिवीजन व्हाटएवर बंद कर देंगे, मेकिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिडंडेंट, अब जो उस डिवीजन में जो एम्प्लॉयज हैं हम उनको भी छोड़ देंगे, अब उनको छोड़ देंगे तो उनके कॉम्पनसेशन तो देना पड़ेगा ना। देयरफॉर एक्स लिमिटेड रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन फॉर द क्लोजर कॉस्ट ऑफ 20 लाख इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एट 31st 2018। एक्स लिमिटेड ने बोला कि भाई हम अनाउंस कर चुके हैं ईयर एंडिंग से पहले कि हम अपना एक डिवीजन बंद करने वाले हैं, और डिवीजन बंद करेंगे तो एम्प्लॉइज को छोड़ देंगे, उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा 20 लाख का, तो हमने 31 मार्च में एक प्रोविजन क्रिएट कर लिया कंपनसेशन एक्सपेंस का, एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई कंपनसेशन पेबल के नाम से एक लायबिलिटी क्रिएट कर ली, प्रोविजन बना लिया कि 20 लाख का कंपनसेशन देना पड़ सकता है, एक लायबिलिटी आ गई कैरिंग अमाउंट। अब पक्की बात है इनकम टैक्स में कुछ झोल होगा, इनकम टैक्स अलाउस टैक्स डिडक्शन, इनकम टैक्स में मुझे इसका टैक्स डिडक्शन मिलेगा क्या? हाँ, मुझे इनकम टैक्स में इसका टैक्स डिडक्शन मिलेगा तो सही, ओनली व्हेन द क्लोजर एक्चुअली टैक्स प्लेस। इनकम टैक्स वाला बोल रहा है नहीं नहीं देखो हम तुम्हें प्रोविजन के बेसिस पर डिडक्शन नहीं देंगे, हम तुम्हें प्रोविजन के बेसिस पर डिडक्शन नहीं देंगे, तुम्हें डिडक्शन मिलेगा इस कंपनसेशन का, पर जब तुम सच्ची मुच्ची क्लोज करोगे और जब तुम सच्ची मुच्ची पे करोगे तो हम तुम्हें पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन देंगे। सिंपल सा है, इसका मतलब करंट ईयर में ये डिसअलाउ हो जाएगा, अगर कोई एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया फ्यूचर में मुझे अलाउ होगा, तो सीधी सीधी बात है डीटीए बनेगा,
क्योंकि फ्यूचर में मुझे एक्सपेंस डिसअलाउ होने वाला है, सॉरी करंट ईयर में डिसअलाउ हो गया, फ्यूचर में अलाउ होने वाला है, तो फ्यूचर का टैक्सेबल इनकम मेरा कम हो जाएगा और अभी का मेरा टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब इस पे बनेगा DTA इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, मतलब नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर में एक्स लिमिटेड एक्सपेक्ट टू मेक टैक्सेबल प्रॉफिट विच आर वेल इन एक्सेस ऑफ 20 लाख. अब देखो वो क्यों बोल रहा है, DTA बनने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट ऑन करने की क्षमता होनी चाहिए. तो वो बोल रहा है कि टेंशन नहीं है, 2019 में मतलब नेक्स्ट ईयर में मेरे पास अच्छे खासे टैक्सेबल प्रॉफिट होंगे, 20 लाख से ऊपर के ही होंगे, जिससे 20 लाख सेट ऑफ कर देंगे हम, मतलब प्रोबेबिलिटी भी है. ऑन 31 मार्च 18 एक्स लिमिटेड हैड टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस फ्रॉम अदर सोर्सेस विच आर ग्रेटर देन 20. अरे वाह, मतलब मेरे पास सफिशियंट टैक्सेबल प्रॉफिट अर्न करने की क्षमता भी है और इसके अलावा मेरे पास कुछ टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस भी रखे कि जब उनके रिवर्स होने से भी मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो पक्की बात है कि यहां पर हम डेफिनेटली DTA बना सकते हैं. DTA क्यों बना सकते हैं, क्योंकि हमें अब हमारा अभी एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा, फ्यूचर में अलाउ होगा. तो अभी मैंने आपको दो बातें बताई, इसमें आपका बनेगा DTA. इस टेक्निक से भी बता देता हूं, यहां पर हमने प्रोविजन क्रिएट किया है अपने बुक्स में, प्रोविजन एक लायबिलिटी साइड में दिखता है, तो एक तरीके से लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट दिख रहा है आपका 20 लाख का, जबकि टैक्स बेस कुछ नहीं है. क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स बोल रहा है हम तो आपको डिडक्शन बाद में देंगे, अभी ये कोई लायबिलिटी वायबिलिटी नहीं, अभी कोई प्रोविजन ओविजन नहीं, तो इनकम टैक्स में कोई प्रोविजन नहीं बनेगा, बनेगा मतलब जीरो. तो टैक्स बेस मतलब जीरो और कैरिंग अमाउंट मतलब 20. मुझे कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस तक लेके जाना है, मतलब मुझे कैरिंग अमाउंट को भी गिराना है. मैं कैरिंग अमाउंट को गिराऊंगा, लायबिलिटी है ये वाली, कैरिंग अमाउंट की ये लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी गिरेगी मतलब असेट, तो DTA, तो ये DTA बनेगा. नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 17, मतलब हमारा तो अभी ईयर एंडिंग 18 चल रहा है, पर ये बोल रहा है लास्ट ईयर में कुछ हमने एक्स लिमिटेड कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट, हमने कुछ डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज किया था विच सेटिस्फाइड द क्राइटेरियन पैरा 17 ऑफ इंडियस 38. कुल मिला के हमने डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज किया था एज अ इंटेंजिबल असेट, इंडियस के अकॉर्डिंग वो इंटेंजिबल असेट होना चाहिए. टोटल अमाउंट कैपिटलाइज वॉज 16 लाख. द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बिगेन टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट टू एक्स फ्रॉम 1 जनवरी 18. हमें इससे बेनिफिट करंट ईयर से मिलना शुरू हुए हैं, करंट ईयर हमारा ईयर एंडिंग 18 है. द डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एस्टिमेटेड दैट प्रोजेक्ट वुड जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द 5 ईयर्स फ्रॉम दिस डेट. हमें आगे चल के 5 साल तक बेनिफिट मिलेगा, मतलब हम इस इंटेंजिबल असेट को अमोर्टाइज करेंगे 5 ईयर्स में. द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वॉज फुल्ली डिडक्टेबल अगेंस्ट टैक्सेबल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18. ओहो अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने 16 लाख रुपीज का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर किया है ना इनकम टैक्स में, वो पहले ही साल में मतलब 2018 में 100% डिडक्शन मुझे मिल गया, मुझे करंट ईयर में ही 100% डिडक्शन मिल गया इनकम टैक्स में, जबकि मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिडक्शन करंट ईयर में नहीं ले रहा हूं, मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको इंटेंजिबल असेट क्रिएट कर रहा हूं और इस इंटेंजिबल असेट को क्रिएट करके मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इससे 5 ईयर्स तक बेनिफिट मिलेगा. ये बेनिफिट मुझे मिलना शुरू हुआ है 1 जनवरी ऑफ करंट ईयर, तो करंट ईयर 1 जनवरी है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, मतलब मुझे सिर्फ करंट ईयर में सिर्फ मैंने 3 मंथ्स का अमोर्टाइजेशन किया है आउट ऑफ 5 ईयर्स. तो यहां पर क्लियर कट दिख रहा है कि टैक्स बेस आपका कुछ भी नहीं है इंटेंजिबल असेट का, क्योंकि आपको 100% डिडक्शन मिल चुका है, तो असेट का टैक्स बेस कुछ भी नहीं है, जबकि कैरिंग अमाउंट अच्छा खासा है, तो कैरिंग अमाउंट इज बहुत अच्छा खासा वैल्यू और टैक्स बेस जीरो, तो कैरिंग अमाउंट को गिराना पड़ेगा, असेट की कैरिंग अमाउंट गिरेगी मतलब लायबिलिटी. इसको अदर वे में सोचे कि मुझे इनकम टैक्स ने पूरा बेनिफिट करंट ईयर में दे दिया, जबकि मैंने अपने बुक्स में अमोर्टाइजेशन क्लेम किया है सिर्फ 3 मंथ्स का. नेक्स्ट ईयर में मैं अमोर्टाइजेशन क्लेम करूंगा नेक्स्ट 5 ईयर्स तक थोड़ा थोड़ा करके, वो हर साल मेरा डिसअलाउ होगा, जब डिसअलाउ होगा तो मेरी टैक्सेबल इनकम बढ़ेगी, तो ऐसे केस में DTL, क्योंकि इनकम टैक्स आगे चल के ज्यादा देना पड़ेगा, तो मेरा DTL क्रिएट होगा. अब सवाल ये उठता है कि DTL कितने अमाउंट पर क्रिएट होगा, तो मुझे यहां पर चाहिए कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल असेट एट द एंड ऑफ 2018. कितने की असेट थी आपकी? 16 लाख की, डिवाइडेड बाय 5 × 3/12, तो ये मुझे मिल गया अमोर्टाइजेशन.
16 लाख डिवाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 ये हो गया 80,000। 80,000 का अमोर्टाइजेशन, 80,000 का अमोर्टाइजेशन, इसका मतलब मेरी इंटेंजिबल असेट की कैरिंग अमाउंट, इंटेंजिबल असेट की कैरिंग अमाउंट होगी 15,20,000, जबकि टैक्स बेस होगा निल, तो 15,20 मेरा होगा टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, और इसके ऊपर डीटीएल क्रिएट होगा। रेट ऑफ टैक्स कितना है? रेट ऑफ टैक्स है 20%, नीचे दिया हुआ है, तो इसके ऊपर आप, इसके ऊपर आप 20% बनाओगे डीटीएल, ये हो जाएगा 3,04,000। चेक करते हैं आंसर, ये देखिए 3,04,000, ये आपका थर्ड आंसर, थर्ड वाला। सेकंड वाले में हमने बोला कि यस डीटीए बनेगा, तो डीटीए 20 लाख का 20% मतलब 4 लाख का डेफर टैक्स असेट बन रहा है। फर्स्ट वाले में हमने बोला कि नहीं डीटीए नहीं बनेगा, तो नो डेफर टैक्स असेट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। अब एक और चीज बच गई, फोर्थ नंबर पॉइंट बच गया। फोर्थ नंबर पॉइंट जो है वो आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। मैं तो सॉल्व करवाऊंगा, हो सकता है, मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सबको आता होगा, पर अगर नहीं आता होगा कोई बात नहीं, ये वाला पॉइंट आप जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कर लोगे ना चैप्टर, उसके बाद जाके आप ये पढ़ सकते हो, पर मैं तो अभी इसके साथ कंटिन्यू हूं तो सॉल्व करवाऊंगा। ऑन 1 अप्रैल 17 एक्स बोरोड 1 करोड़, द कॉस्ट टू एक्स ऑफ अरेंजिंग द बोरोइंग, कॉस्ट टू एक्स ऑफ अरेंजिंग द बोरोइंग वॉज रुपीज 2 लाख रुपीज। हमने बोरो किया 1 करोड़ इनफ्लो, 1 करोड़ को बोरो करने के लिए हमारा इनिशियल एक्सपेंस 2 लाख का आउटफ्लो, मतलब नेट इनफ्लो हो गया 98 लाख का। दिस कॉस्ट क्वालिफाइड फॉर टैक्स डिडक्शन, ये 2 लाख रुपीज का हमें इनकम टैक्स में डिडक्शन भी मिलेगा। द लोन वॉज फॉर अ 3 ईयर पीरियड, ये लोन 3 ईयर्स के लिए है। नो इंटरेस्ट वॉज पेबल ऑन द लोन, इस लोन पे पूरे 3 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं होगा पे। बट द अमाउंट रीपेबल ऑन 31 मार्च, पर जब मैं 3 साल बाद इसको अमाउंट को रीपे करूंगा तो रीपेबल अमाउंट होगा 1,30,43,800, मतलब इतना सारा अमाउंट मुझे रीपे करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इक्वेट्स टू एन इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10%, ये 10% इसके ऊपर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे अकाउंटिंग इसकी करनी पड़ेगी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। एज पर इनकम टैक्स एक्ट अ फर्दर टैक्स डिडक्शन ऑफ 30,43,800, भाई सीधी सी बात है, 1 करोड़ का आपने लोन लिया, आप रीपे करोगे 1,30,43,800, वो भी थर्ड ईयर में, तो इनकम टैक्स वाला बोल रहा है आपने एक्स्ट्रा कितना रीपे किया 30,43,800, कब किया थर्ड ईयर में, तो पूरा थर्ड ईयर में आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा। विल बी क्लेमेबल व्हेन द लोन इज रीपेड, मतलब फर्स्ट ईयर में इनकम टैक्स मुझे कोई भी डिडक्शन, अच्छा फर्स्ट ईयर में मुझे इनकम टैक्स सिर्फ 2 लाख रुपीज का डिडक्शन दे रहा है क्योंकि लीगल एक्सपेंस है, सेकेंड ईयर में मुझे डिडक्शन नहीं मिल रहा, थर्ड ईयर में मुझे इतना सारा डिडक्शन मिल रहा है। Explain and show how each of these events would affect the deferred tax asset liabilities in the consolidated balance sheet of X. Income tax rate is 20%. ये जो last वाला है ये थोड़ा सा technical है क्योंकि ये financial instruments से related है। ऐसे केस में क्या होता है? मैं आपको बताना चाहूँगा। ऐसे केस में क्या होता है कि जो ये जो fourth वाला point है ना, इसमें आपको पहले ये Ind AS 109 apply करना पड़ेगा। आपको अपनी books में बोरोइंग कितने से दिखानी है वो देखना पड़ेगा, अंडरस्टूड और नॉट, आपको बोरोइंग दिखानी पड़ेगी, अंडरस्टूड और नॉट, क्लियर हुआ कि नहीं? तो ऐसे केस में क्या होता है, देखो एक काम करो, जब आप 1,30,43,800 का प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे क्योंकि ये फ्यूचर वैल्यू है, मुझे इतना पे करना है, ठीक है ना, और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, अगर मैं इसका, ये फ्यूचर वैल्यू है, अगर मैं इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालूं 3 इयर्स के बेसिस पे 10% का डिस्काउंटिंग करके, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका प्रेजेंट वैल्यू 98 लाख आना चाहिए। यस 98 लाख आना चाहिए, ठीक है ना, इसका प्रेजेंट वैल्यू आएगा 98 लाख, अंडरस्टूड और नॉट? मैं बोल रहा हूं बोरोइंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
30,43,800 at 10% for 3 years, तो ये हो जाएगा 98 lakhs. आप कैलकुलेट करोगे 98 lakh का. ये आ गया आपका डेट ऑफ लोन. तो आपका डेट ऑफ लोन क्या था? 1st April 17. हमारा करंट ईयर, ईयर एंडिंग 31st March 18 है. तो इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस 31st March 18 को क्या होगा? 98 lakh. इसके ऊपर 10% का मुझे इफेक्टिव इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपनी बुक्स में. मैं अपनी बुक्स में इफेक्टिव इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूं. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,07,80,000. ये हो गया कैरिंग अमाउंट. जबकि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो टैक्स बेस होगा, आपने कितने का लोन लिया? 1 करोड़ का. बात खत्म. ये लोन आपका 1 करोड़ का दिखेगा आपकी बैलेंस शीट में. 1 करोड़ का आपका लोन दिखेगा. सर वो 2 लाख रुपीज का हमने लीगल एक्सपेंस भी तो किया, वो तो आपको डिडक्शन मिल गया. तो लाइबिलिटी कितनी दिखेगी? 1 करोड़ की. तो डिफरेंस देखो कितना आ रहा है. आपका डिफरेंस आ रहा है, टेम्पररी डिफरेंस आ रहा है आपका 7,80,000 का. ये टेम्पररी डिफरेंस किस नेचर का है? लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट ऊपर है और टैक्स बेस नीचे है. मुझे कैरिंग अमाउंट को नीचे करना पड़ेगा. लाइबिलिटी नीचे हो रही है मतलब असेट, मतलब यहां पर ये डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस है. इसके ऊपर 20% के अकॉर्डिंग DTA बनेगा. वन लाख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड का DTA बनेगा. ये देखिए 1,56,000 का DTA बनेगा. आपको लग रहा होगा सर ये 1,07,800 नहीं समझ में आया. आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर नहीं देखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा. तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का सब्जेक्ट टॉपिक अगर आपने कर लिया होगा तो उसके बाद ही आप ये देखिएगा. इसी के साथ हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हो गया नवंबर 18 का. थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे मई 19 का, ये सिमिलर है, सिमिलर टू क्वेश्चन 2 अबव. ऊपर के क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है, सिमिलर. ऊपर के क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स थे, इसमें तीन पॉइंट्स, और तीनों के तीनों पॉइंट्स ऊपर के किसी भी 3 पॉइंट से मैच हो रहे हैं. वो सब्सिडरी वाला, उसके बाद डेवलपमेंट कॉस्ट इंटेंजिबल असेट वाला, और वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला. ठीक है ना? तो ये सिमिलर है, ये आप खुद करेंगे. डू इट योरसेल्फ. ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे. मैं चाहूंगा कि आप एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करें. हेलो, ऑल राइट, यस. क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है. रिवर्स वर्किंग करके आपको फाइंड आउट करनी है चीजें. यस, एंटिटीज फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मैं इसको इंपॉर्टेंट बोलूंगा. ईयर एंडेड 31st March 2012. बिफोर एंडिंग 31st March 2012 द गवर्नमेंट अनाउंस दैट टैक्स रेट वॉज टू बी अमेंडेड फ्रॉम 40% to 45%. एक्चुअली ईयर एंड होने से पहले फाइनेंस बिल आता है. फाइनेंस बिल में अगले साल के लिए टैक्स रेट आ गया 45%. आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि हमें डेफर टैक्स बनाने के लिए टैक्स रेट लेना पड़ता है विच इज सब्सटैंटिवली इनेक्टेड. अब देखना पड़ेगा कि 45% जो टैक्स रेट है वो सब्सटैंटिवली इनेक्ट हो चुका है कि नहीं. ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट फ्रॉम 30th June. द लेजिस्लेशन टू अमेंड द टैक्स रेट हैज नॉट येट बीन अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर. मतलब अभी ये शायद अपर हाउस लोअर हाउस में अटका हुआ है, पास नहीं हुआ है. However, the government has a significant majority. सरकार की majority है, legislation पास हो जाएगा. And it is usual in the tax jurisdiction concerned
to regard an announcement of a change in the tax rate as having the substantive effect of the actual enactment. मतलब ये कह रहा है कि जो रेट आया ना वो substantively enacted है. इसका मतलब ultimately मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे 40 से 45% पर कन्वर्ट होना पड़ेगा. इसका मतलब समझिए कि अगर मेरे पास आज ओपनिंग में कोई भी टेम्पररी डिफरेंसेस रखे हुए हैं तो मैं उनके ऊपर ऑलरेडी 40% के हिसाब से डीटीएल डीटीए बना चुका हूं ओपनिंग बैलेंस पे. पिछले साल तक के जितने भी टेम्पररी डिफरेंसेस रखे हुए हैं चाहे लायबिलिटी के हो या एसेट के हो उनके ऊपर मैं 40% के हिसाब से डेफर टैक्स एसेट लायबिलिटी क्रिएट कर चुका हूंगा. बट आने वाले अब मेरा रेट बदल रहा है 45% हो रहा है तो मुझे उन्हीं डिफरेंसेस को वापस से असेस करके उनके ऊपर 45% के बेसिस पर डीटीए डीटीएल बनाना चाहिए. मतलब मुझे एक्स्ट्रा 5% का एक्स्ट्रा डेफर टैक्स बनाना पड़ेगा. आगे कह रहा है आफ्टर परफॉर्मिंग द सॉरी ये हाँ After performing the income tax calculation at the rate of 40%, entity has the following deferred tax asset and deferred tax liability. हमारे पास already deferred tax asset और liability इतना इतना created है. किसके हिसाब से? 40% के हिसाब से. अब आप ध्यान से मेरी चीजों को समझिएगा. ध्यान से समझिएगा. मेरे पास DTA कितना रखा है? 80%. कितने के हिसाब से? 40% के हिसाब से. इसका मतलब मेरे पास डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस कितना हो जाएगा? 80 डिवाइडेड बाय 40%. तो ये होता है तकरीबन 2 लाख. एक तो ये हो गया. दूसरा हमारे पास डीटीएल रखा है 60,000 का, ये भी 40% पर. तो हमारे पास टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस कितना होगा? 60 डिवाइड बाय 40%. तो ये होना चाहिए 150. 60 डिवाइड बाय 40% 150. अब समझिए हमारे पास 2 लाख के डिडक्टेबल डिफरेंसेस रखे हैं जिसके ऊपर हमने 40% अप्लाई किया, डीटीए बनाया. 150 के टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस रखे हैं हमारे पास, उसके ऊपर हम 40% के हिसाब से ऑलरेडी डिटेल बना चुके हैं. आगे क्या कह रहा है? ऑफ द डेफर टैक्स असेट बैलेंस 28,000, जितना भी हमारे पास 80,000 का डीटीए है ना उसमें से 28,000 का डीटीए टेम्पररी डिफरेंसेस का है. वो तो ऑब्वियसली सबका टेम्पररी डिफरेंस ही तो होगा. दिस डीटीए हैड प्रीवियसली बीन रिकॉग्नाइज्ड इन ओसीआई एंड एक्यूमुलेटेड इन इक्विटी एज अ रिवोल्यूशन सरप्लस. अच्छा जी, अच्छा, ओके. टोटल 80,000 के डीटीए जो हमने बनाया है उनमें से 28,000 का डीटीए हमने ओसीआई के थ्रू क्रिएट किया था. बाकी का हमने 52,000 पीएनएल के थ्रू क्रिएट किया होगा. तो वापस से मैं लिखता हूं, रिकग्नाइज डीटीए 80, और 80 के दो चीजें आउट ऑफ पीएनएल, आउट ऑफ ओसीआई 52,000 28,000. मैं इसका वापस से डिवाइड बाय 40 करूं तो ये आएगा 52 डिवाइड बाय 40, ये आएगा 1,30,000, और ये आएगा 70,000. मतलब ऊपर का जो 2 लाख रुपीज का डिफरेंस है ना उसमें से 130 का डिफरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ पीएनएल है और 70 का डिफरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ओसीआई है. ठीक है. द एंटिटी रिव्यूड द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट इन अकॉर्डेंस विद पैरा 56 ऑफ इंडियस 12 एंड डिटरमाइंड दैट इट वाज प्रोबेबल दैट सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट टू अलाउ यूटिलाइजेशन ऑफ डीटीए विल बी अवेलेबल. वो बोल रहा है कि यार हमारे पास इतना तो सफिशिएंट आगे चल के फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा जिससे ये डीटीए रिवर्स हो जाएगा आराम से. ठीक है. शो द रिवाइज्ड अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लायबिलिटी एंड प्रेजेंट द नेसेसरी जनरल एंट्री. बहुत आसान है, बहुत लल्लू क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं. भले मैंने आपको इंपॉर्टेंट लिखवाया है, बहुत ही आसान लल्लू क्वेश्चन समझो. इस 130 के ऊपर मैं ऑलरेडी 40% बना चुका हूं, मुझे 5% एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा. तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं
एक्स्ट्रा डेफर टैक्स एट द रेट ऑफ 5% निकालूंगा। एक तो 130 का 5%, 130 का 5% तो ये हो गया 6500 DTA। दूसरा 70 का 5%, 70 का 5% तो ये हो गया 3500 DTA। ये हो गया थ्रू P&L, ये हो गया थ्रू OCI। और वैसे ही 150 का 5% ये हो गया 7500 DTL थ्रू P&L। DTL में कुछ बोल ही नहीं रहा था वो कि OCI वाला पोर्शन कितना है, मतलब पूरा P&L। बस अब आपको करना है जर्नल एंट्री। इसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DTL। इसकी एंट्री क्या होगी? DTA डेबिट टू OCI रीवैल्यूएशन सरप्लस। इसकी DTA डेबिट टू P&L। दैट्स इट। 6500 का एक्स्ट्रा DTL DTA थ्रू P&L, 3500 का एक्स्ट्रा DTA थ्रू OCI, 7500 का एक्स्ट्रा DTL थ्रू P&L। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। ठीक है, देख लीजिए। ऑल राइट, नोट कर लिया? नोट करने के लिए मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, जब आपको मैं पूरा स्क्रीन दे दूं तो आप पॉज कर सकते हो लेक्चर को। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 4 डन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, नवंबर 20। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, नवंबर 20। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मुझे कुछ बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड लग रहा है, फेयर वैल्यू टैक्स बेस वगैरह कुछ कुछ। ऑन 1 जनवरी 20 एंटिटी एच अक्वायर्ड 100% शेयर कैपिटल ऑफ एंटिटी एस फॉर 15 लाख। 15 लाख हो गया आपका पीसी, 15 लाख हो गया आपका पीसी। द बुक वैल्यू एंड द फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट लाइबिलिटी ऑफ एंटिटी एस एट द डेट ऑफ एक्विजिशन आर सेट आउट बिलो टुगेदर विद देयर टैक्स बेस इन द एंटिटीज एक्स ज्यूरिसडिक्शन। एंटिटी एक्स एस एक हमारी सब्सिडरी है जिसका टैक्स बेस असेट और लाइबिलिटीज का दिया हुआ है, उसकी बुक्स में उसकी बुक वैल्यूज क्या थी वो दिया हुआ है, और हमने उन असेट्स लाइबिलिटीज को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है वो दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं, बुक वैल्यू किसी काम की नहीं होती, टैक्स बेस काम होता है और एक फेयर वैल्यू काम होता है। सर क्या बात कर रहे हो, बुक वैल्यू को तो कैरिंग अमाउंट बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, बट बिजनेस कॉम्बिनेशन में सब्सिडरी कंपनी के अंदर जो बुक वैल्यूज दिख रही है वो मेरे काम की थोड़ी है। मैंने उन असेट्स को अपने कंसोलिडेशन में किस वैल्यू पर रिकॉर्ड किया है वो मेरे काम का है। तो जो ये फेयर वैल्यू है ये बन जाएगा मेरा कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू जो है वो बन जाएगा मेरा कैरिंग अमाउंट। एनी गुडविल अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन इज नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस। वाह बेटे वाह, मतलब हमने जो पढ़ा था, जब भी बिजनेस कॉम्बिनेशन में कोई भी गुडविल आएगी और अगर उस गुडविल का इनकम टैक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा तो समझ जाना कि उस गुडविल के ऊपर गुडविल का टैक्स बेस निल होगा, पर कैरिंग अमाउंट तो होगा, पर फिर भी वो एक तरीके से परमानेंट डिफरेंस है। ऐसे केस में हम डेफर टैक्स नहीं बनाएंगे गुडविल के ऊपर। ठीक है, द टैक्स रेट इन एंटिटीज एच एंड एस ज्यूरिसडिक्शन इज 30% एंड 40%। ये बहुत मस्त चीज दी है। होल्डिंग कंपनी मान लो इंडियन कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी मान लो फॉरेन कंपनी है, ठीक है ना। हालांकि इंडियस 12 पढ़ाते वक्त मैंने बोला था कि आपको कौन सा वाला रेट लेना होता है, आपको उस एंटिटी का रेट लेना होता है जिस एंटिटी के टैक्स ज्यूरिसडिक्शन में वो असेट फाइनली टैक्सेबल होगी। ये जितनी भी असेट्स हैं, ये असेट्स कहां रखी हुई हैं? सब्सिडरी के पास। हम तो सिर्फ कंसोलिडेशन कर रहे हैं, फिजिकली किसके पास रखी हुई है? सब्सिडरी के पास।
मतलब ये जो असेट्स लाइबिलिटीज है ये सब्सिडियरी के पास रखी हुई है, मतलब फॉरेन कंपनी में रखी हुई है, फॉरेन कंट्री में रखी हुई है, मतलब ये आगे चल के सेटल भी होंगी फॉरेन करेंसी में, और वहां का टैक्स ज्यूरिसडिक्शन 40% है। तो अब यहां पर मैं जितना भी डेफर टैक्स असेट लाइबिलिटी बनाऊंगा वो 40% टैक्स रेट के हिसाब से बनाऊंगा। एक सेकेंड रुक जाइए, मेरे को ना एक कुछ स्क्रीन में कुछ करेक्शन करना है, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ऑल राइट, हाँ हम बात कर रहे थे कि ये जो फेयर वैल्यू होगा ये कैरिंग अमाउंट बन जाएगा होल्डिंग कंपनी के बुक्स में, और टैक्स बेस तो वाई का वाई रहेगा। अब आप देखेंगे, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डेफर टैक्स अराइजिंग ऑन एक्विजिशन ऑफ एंटिटी एस, ऑल्सो कैलकुलेट द गुडविल अराइजिंग ऑन एक्विजिशन। बिल्कुल ठीक, बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर जब गुडविल अराइज होता है तो उस गुडविल के ऊपर डेफर टैक्स नहीं बनता, पर बाकी असेट्स की वैल्यूज जो कि टैक्स बेस की वैल्यू से अलग है उनके ऊपर डीटीए डीटीएल बनता है, और वो डीटीए डीटीएल आपके गुडविल को अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि मैं आपको शॉर्ट में आंसर करवा रहा हूं, देखना ध्यान से, आपका टैक्स बेस 500 है और आपका कैरिंग अमाउंट 700 है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, असेट का कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, मुझे नीचे लाना पड़ेगा, मुझे टैक्स बेस तक नीचे लाना पड़ेगा, असेट को नीचे लाना पड़ेगा, मतलब डीटीएल, तो मैं साइड में लिख देता हूं, लायबिलिटी क्रिएट होगी। दूसरा, ये 200, ये 270, ये भी ज्यादा है, मतलब लायबिलिटी क्रिएट होगी। लैंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट, इन्वेंट्री का देखो उल्टा हो गया, इन्वेंट्री का उल्टा हो गया, इन्वेंट्री का टैक्स बेस 100 ज्यादा है और कैरिंग अमाउंट कम है, मुझे कैरिंग अमाउंट को वापस उठाना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा, इन्वेंट्री ऊपर, असेट ऊपर, मतलब डीटीए ए। अकाउंट रिसीवेबल 150 कुछ भी नहीं, निल, कुछ नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कुछ नहीं। अकाउंट पेबल, अब पेबल को देखो, अकाउंट पेबल यहां पर भी कुछ नहीं। रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन में आप देखो कि टैक्स बेस कुछ नहीं है, टैक्स बेस कुछ नहीं है, और जबकि कैरिंग अमाउंट 100 है। अब ये लाइबिलिटी है आपकी, तो लाइबिलिटी कैरिंग अमाउंट आपकी 100, टैक्स बेस कुछ नहीं, तो मुझे कैरिंग अमाउंट को भी जीरो करना पड़ेगा, लाइबिलिटी जीरो, लाइबिलिटी को नीचे, मतलब असेट। तो ओवरऑल अगर देखें डिफरेंस, तो यहां 200 का डिफरेंस, ये टेम्पररी डिफरेंस कर बात कर रहा हूं, 200 70 20, ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि ये असेट है, ऊपर लायबिलिटी इसलिए पॉजिटिव, असेट नेगेटिव कर दिया। फिर ये भी असेट है, तो 100 का डिफरेंस नेगेटिव। अगर आप नेट बैलेंस निकालोगे तो 270 माइनस 20, 250 माइनस 100, 150, कुल मिला के 150 का टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है। सर टैक्सेबल कैसे, क्योंकि एल ज्यादा हो रहा है तो एल के ऊपर टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस बोलते हैं। इसके ऊपर बनाएंगे हम 40% का डीटीएल, मतलब 60 150 का 40%, मतलब 60 का डीटीएल बनेगा। अब जब एंट्री करेंगे तो पीसी है आपका कितना, 15 लाख का, और आपके नेट असेट्स कितने हैं, नेट असेट्स को डेबिट करोगे आपके नेट असेट्स कितने हैं, 700 प्लस 270 प्लस 80 प्लस 150 प्लस 130 माइनस 160 माइनस 100, तो नेट असेट्स हैं आपके वैसे तो 1070 के, और इसके अलावा आपकी डीटीएल क्रिएट हो रही है 60 की, तो आपकी नेट असेट और कम हो जाएगी। इसके अलावा पीसी आप पे कर रहे हो 1500 का, तो बताओ गुडविल कितना हो जाएगा, फोर नाइन्टी का गुडविल हो जाएगा,
गुडविल आपका हो जाएगा 490 का, चेक करते हैं, ये देखिए 490 का आपका गुडविल हो गया, 60 का आपका DTL हो गया, अंडरस्टूड? बहुत ही इजी है, बस आपको ये चेक करना है। प्रेजेंटेशन माफ करिएगा, अगर हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से जल्दी खत्म करना है तो प्रेजेंटेशन पे ऑब्वियसली मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना? ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 5 डन। एक आखिरी क्वेश्चन आरटीपी का है, आखिरी मतलब इसके बाद तो एमटीपी शुरू हो जाएगा, आरटीपी का एक और क्वेश्चन बचा हुआ है May 21 आरटीपी का। द एंटिटी हैज एन आइडेंटिफाइबल असेट असोटा, नाम देखो अजीब सा कैसा है, असोटा एक असेट है जिसका नाम है असोटा, जिसका कैरिंग वैल्यू 10 लाख है, रिकवरेबल अमाउंट 650 है। अरे जैसे ही वर्ड उसने रिकवरेबल बोल दिया, मतलब याद करो इंडेस 36 इंडेस 36 इंपेयरमेंट कुछ नहीं है, हमने इस 10 लाख की असेट को इंपेयर करके 650 पर लेके आएंगे, हम इसको 650 पर लेके आएंगे, ठीक है ना? उसका टैक्स बेस कितना है 8 लाख रुपीज का, उसका टैक्स बेस कितना है 8 लाख रुपीज का, टैक्स रेट कितना है 30%, इंपेयरमेंट टैक्स इंपेयरमेंट लॉसेस आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल। अब इस लाइन को पढ़कर कुछ बच्चे गलत फहमी में आ जाएंगे, ओ परमानेंट डिफरेंस, नहीं, इंपेयरमेंट लॉस आपका इनकम टैक्स में डिडक्टेबल नहीं है, पर डेप्रिसिएशन तो डिडक्टेबल होता है ना, मतलब इनकम टैक्स वाला कह रहा है कि तुमने अगर एसेट की वैल्यू गिरा दी अपनी बुक्स में इंपेयरमेंट के नाम पे, हम नहीं गिराएंगे, इनकम टैक्स में तुम्हारी एसेट उतनी ही रहेगी और उसके ऊपर तुम ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाओगे फ्यूचर में। सोचो ना, तुमने बुक्स में अपनी एसेट की वैल्यू गिरा दी, लॉस बुक किया, लॉस डिसअलाउड हो गया, अब गिरी हुई वैल्यू पर डेप्रिसिएशन भी तो लोअर लगेगा ना बुक्स में, जबकि इनकम टैक्स बढ़ी हुई वैल्यू पर ज्यादा डेप्रिसिएशन देगा फ्यूचर में, तो ये एक तरीके से टेम्पररी डिफरेंस है। तो बहुत आसान है, कैरिंग अमाउंट आपका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर इंपेयरमेंट, ये हो गया 650, टैक्स बेस में कोई बदलाव नहीं, नो चेंज, ये हो गया 8 लाख। तो बताओ टैक्स बेस ऊपर है, कैरिंग अमाउंट नीचे है, ठीक है ना? मुझे कैरिंग अमाउंट को वापस से टैक्स बेस तक पहुंचाना है, असेट को बढ़ा रहे हैं, ये असेट असेट की बात चल रही ना, असोटा असेट है तो उसको बढ़ाना है, DTA DTA ऑन 150 एट द रेट ऑफ, कहां गया रेट, 30% 45,000। P&L, अंडरस्टूड? अच्छा एक बात सुनिएगा, मुझे कुछ बोलना था इस पे। हाँ, अगर आपको ऐसा ऐसा करके नहीं समझ में आ रहा, मान लो आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो, आप क्वेश्चन बैंक डायरेक्टली देख रहे हो, सकता है ऐसा कुछ हो सकता है, तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। फ्यूचर में मुझे 8 लाख का डिडक्शन मिलेगा, जबकि मैं बुक्स में सिर्फ 650 का ही क्लेम करूंगा, तो मुझे फ्यूचर में इनकम टैक्स में ज्यादा डिडक्शन मिलेगा, तो फ्यूचर में फायदा होने वाला है, आज असेट क्रिएट कर लो फायदा, ठीक है? तो 45,000 का सिंपल, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। 6 क्वेश्चंस में से यस, 5वां नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में ये आ भी चुका है। 4th इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा रिवर्स वर्किंग वाला था पर इजी था। 3rd इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवाया एंड यस इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। और फर्स्ट वाला आपका रिकंसिलेशन, ये तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है, रिकंसिलेशन के लिए क्या ध्यान रखना पड़ेगा वो आपको पता होना चाहिए। आरटीपी के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, अब हम एमटीपी पर चलने वाले हैं, ठीक है ना? चलिए मैं एमटीपी पे आने वाला हूं, उसके लिए आप एमटीपी का ये क्वेश्चन पढ़िए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, अब शुरू करते हैं एमटीपी क्वेश्चंस, ठीक है? आइए मैं आपको एक अच्छी चीज़ बता दूं, एमटीपी क्वेश्चंस कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 बहुत अच्छा है, ठीक है ना, 9 है, फिर 10 है, 10 भी थोड़ा सा अच्छा है,
ठीक है, 11 में कुछ खास दम नहीं है और 12 है, ठीक है। 12 के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं 13, 14, 15, 16 चारों रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, चारों के चारों रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। मतलब मुझे आपको करवाना है 7, 8, 9, 10, 11, 12, मुझे आपको ये 6 क्वेश्चंस करवाने हैं। पास्ट एग्जाम पेपर्स में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब रिपीटेड बेसिस पे आरटीपी एमटीपी के बेसिस पे ही आए हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 उठाते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 7 उठाते हैं। ऑल राइट, यस, क्यूए लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डेफर टैक्सेस एज पर द एप्लीकेबल इंडेस। क्यूए लिमिटेड हैड अक्वायर्ड 40% शेयर्स इन जीके लिमिटेड, 40% शेयर हमने जीके लिमिटेड के खरीद दिए। क्या 40% एक्वायर करने से कोई हमारे पास कंट्रोल आ जाएगा? नहीं। 40% एक्वायर करने से हमारे पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ जाएगा जिससे जीके लिमिटेड हमारा एसोसिएट बन सकता है। वही बातें वो बोल रहा है आगे। फॉर एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ 45 करोड़, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट किया 45 करोड़ रुपीज में, 45 करोड़ इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। द शेयर होल्डर्स, द शेयर होल्डिंग गिव्स क्यूए लिमिटेड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर जीके बट नॉट द कंट्रोल एंड देयरफॉर द सेड इंटरेस्ट इन जीके इज अकाउंटेड यूजिंग द इक्विटी मेथड। अब होता क्या है, अगर मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो इन्वेस्टमेंट मेरा एसोसिएट माना जाए, तो इंड एस 28 कहता है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को फेयर वैल्यू करना पड़ेगा। बेसिकली वर्ड फेयर वैल्यू बोलना सही नहीं है, इक्विटी मेथड पे मेजर करना पड़ेगा। आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने इन्वेस्टमेंट को मेजर करना पड़ेगा इक्विटी मेथड पे। ये बात बोली गई है इंड एस में। इनकम टैक्स में कुछ नहीं बोला गया। इनकम टैक्स में आपका इन्वेस्टमेंट 45 रहेगा हमेशा, जब तक सेल नहीं हो जाता। सेल हो जाएगा तो ये 45 डीरिकॉग्नाइज हो जाएगा, पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये इन्वेस्टमेंट रीवैल्यू होता रहेगा इक्विटी मेथड पे। वही हो रहा है, अंडर द इक्विटी मेथड द कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जीके वाज 70 करोड़। एक साल बाद हमने इसको 70 करोड़ पे दिखा दिया। 45 का खरीदा था, टैक्स बेस 45, एक साल बाद 45 का इन्वेस्टमेंट 70 हो गया, टैक्स बेस इट स्टिल 45। और 31 मार्च 2018 में ये 70 का 75 हो गया हमारी बुक्स में, पर टैक्स बेस स्टिल 45। एज पर द एप्लीकेबल टैक्स लॉस प्रॉफिट रिकॉग्नाइज अंडर द इक्विटी मेथड आर टैक्स्ड इफ एंड व्हेन दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड और द रेलेवेंट इन्वेस्टमेंट इज डिस्पोज्ड ऑफ। इनकम टैक्स में कह रहा है कि देखो भाई, इन्वेस्टमेंट को तो हम 45 ही मानेंगे। तुम जो अपने बुक्स में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा रहे हो ना इक्विटी मेथड के हिसाब से 45 से 70, 70 से 75, इसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। टैक्स हम तब लगाएंगे जब सचमुच में तुम्हें ये इनकम, तुम्हें ये गेन या तो डिविडेंड के फॉर्म में रियलाइज होगा कैश में, या तो तुम इन इन्वेस्टमेंट्स को जब सेल करोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कैश में। जब तक तुम सेल नहीं करोगे तब तक हम टैक्स नहीं लगाएंगे। है तो ये टेम्पररी डिफरेंस। और मैं आपको बताऊं ये कौन सा वाला हम पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है बूस्टर क्लास, फास्ट ट्रैक, सुपर 50, जो भी पढ़ा है आपने, ये है हमारा स्पेशल सिचुएशन का केस नंबर 7। स्पेशल सिचुएशन का केस नंबर 7 दिखाऊंगा मैं आपको, देखिए 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 साहब क्या बात है। ये वाला कि सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट आपका है, एसोसिएट में है, ज्वाइंट वेंचर में है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को आप अपनी बुक वैल्यू पे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप अपने ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को चेंज करते रहते हो। टैक्स बेस चेंज नहीं होता, टैक्स बेस हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट होती है। ऐसे केस में टेम्पररी डिफरेंस आएगा, टेम्पररी डिफरेंस पे आप डीटीएल या डीटीए क्रिएट करोगे। बट अगर वो टेम्पररी डिफरेंस रिवर्स नहीं हो पाएगा कभी भी, क्योंकि आप वो सब्सिडरी के ऊपर कंट्रोल कर पा रहे हो, यू आर श्योर कि ये टेम्पररी डिफरेंस आप कभी भी रिवर्स नहीं करवा सकते, तो ऐसे केस में आप डीटीएल नहीं बनाओगे। और ये पॉसिबल है सिर्फ सब्सिडरी के केस में, एसोसिएट कंपनी के केस में ये पॉसिबल नहीं है। एसोसिएट में यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू कंट्रोल द एसोसिएट। एसोसिएट कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इसका मतलब वो टेम्पररी डिफरेंस रिवर्स होगा और हमें इस केस में डीटीएल बनाना पड़ेगा। वापस हम आते हैं अपने चीज पर। तो यहां पर एसोसिएट कंपनी है, हमें डीटीएल बनाना पड़ेगा। आप बोलोगे सर डीटीएल क्यों भाई, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो सबसे पहले एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट कैरिंग अमाउंट इज 45, टैक्स बेसिस 45, दोनों 45 45, कोई दिक्कत नहीं। एक साल बाद कैरिंग अमाउंट बढ़ के हो गई 70, टैक्स बेस अभी भी 45, तो हमें वापस से कैरिंग अमाउंट को नीचे लाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को नीचे, मतलब असेट नीचे, असेट नीचे मतलब लायबिलिटी। कितने से? 70 और 45 का डिफरेंस कितना होता है? 25।
25 का कितना परसेंटेज? 20%, 20%, मतलब 5 रुपीज का DTL बनेगा, 5 रुपीज का DTL बनेगा, अंडरस्टूड और नॉट? 5 रुपीज का DTL बनेगा। और फिर नेक्स्ट ईयर 70 से 75 हो गया, 5 रुपए और कैरिंग अमाउंट बढ़ गया, हमें उसको भी कम करना पड़ेगा, तो 5 रुपीज के ऊपर 20%, मतलब 1 रुपीज का DTL और बनेगा, टोटल DTL हो जाएगा 6 करोड़ रुपीज का, टोटल DTL हो जाएगा 6 करोड़ रुपीज का। फर्स्ट ईयर में 5 करोड़ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ DTL, सेकेंड ईयर में 1 करोड़ मोर और क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 6 करोड़। अंडरस्टूड और नॉट? क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 6 करोड़। भाई 70 और 45 का डिफरेंस 25, इसका 20%, ये बनेगा 5। 75 और 45 का डिफरेंस 30, इसका 20%, ये हो जाना चाहिए 6। ये DTL का बैलेंस है, तो इसमें P&L का इफेक्ट कितना आएगा? पहले साल अपना पूरा का पूरा 5 P&L में और अगले साल 1 का P&L में DTL जब बनेगा। सिंपल, बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही आसान चीज है, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 डन। भाई साहब अब आया है क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका स्पेशली सेकंड वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मुझे हो सकता है सबसे ज्यादा टाइम इसी क्वेश्चन में लगे, मैं थोड़ा सा स्लो चलूंगा। एक तो इसमें दो दो चीजें हैं, दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, और जो बी वाला पॉइंट है, सेकंड वाला क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। QA लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एज पर एप्लीकेबल इन डेज एंड वॉन्ट्स गाइडेंस ऑन द टैक्स ट्रीटमेंट फॉर द फॉलोइंग। पहला, QA doesn't have taxable income as per the applicable tax law, but pays minimum alternate tax MAT based on its books profit. The tax paid under MAT can be carried forward for the next 10 years and as per the company's projections submitted to its bankers, it is in a position to get credit for the same by the end of the 8th year. The company is recognizing MAT credit as a current asset under IGAAP. The amount of MAT credit is 8.5 crore and 31st March 17 it is 9.75. अब मैं आपको MAT के बारे में ना कुछ बातें बताने वाला हूं। देखिए, मैं मान के चल रहा हूं कि MAT मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स के बारे में तुमने इनकम टैक्स में कभी ना कभी पढ़ा होगा। ऐसा है कि इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 115JB, MAT की बातें करता है। वो ये कहता है कि कंपनी को नॉर्मल टैक्स रेट अपने टैक्सेबल इनकम पे लगा के टैक्स निकालना है, और अलग से 115JB के बेसिस पर कंपनी को बुक प्रॉफिट निकालना है। सी नाउ, बुक प्रॉफिट इज नॉट एन अकाउंटिंग इनकम, बुक प्रॉफिट इज नॉट द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बुक प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ 115JB, मतलब मैट के प्रोविजंस, और वो अलग तरीके से निकलते हैं। कंपनी को बुक प्रॉफिट निकालना है और बुक प्रॉफिट के ऊपर कंपनी को मैट का रेट अप्लाई करना है। लेट अस से आपका बुक प्रॉफिट है 10 लाख और आपका मैट का रेट है 18%, तो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स हो गया 180। ये पहली बात। मान लीजिए आपकी टैक्सेबल इनकम एक्चुअल में है 6 लाख भी नहीं, मान लीजिए 4 लाख, और टैक्स रेट, नॉर्मल टैक्स रेट है 30%। मेरा फोन साइलेंट क्यों नहीं है? टैक्स रेट 30%, तो आपका रेगुलर टैक्स आ गया
120। इनकम टैक्स का प्रोविजन कहता है कि मैट और रेगुलर टैक्स दोनों में से जो हायर होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, दोनों में से जो हायर होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, मतलब 180 आपको पे करना पड़ेगा, दैट इज 180। जब आप 180 पे करोगे तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छी फीलिंग नहीं आ रही होगी, आप बोलोगे सर पे तो मुझे 120 करना चाहिए था, मैंने 180 क्यों कर दिया। कोई बात नहीं, इनकम टैक्स आपको बोलता है कि वैसे आपको 180 करना था पर जो आपने 60 एक्स्ट्रा पेड किया आप उसका क्रेडिट ले सकते हो नेक्स्ट 10 असेसमेंट ईयर्स तक। अब वो शायद 10 की जगह 15 हो गए होंगे, आई एम नॉट फुली अपडेटेड फॉर दिस। नेक्स्ट 10 टू 15 असेसमेंट ईयर्स तक आप इस 60,000 का बेनिफिट ले सकते हो, क्रेडिट ले सकते हो। कब? जब सिचुएशन ऑपोजिट हो जाए। अभी क्या था, मैट ज्यादा था रेगुलर टैक्स कम था, अगर आगे चल के मैट कम होगा और रेगुलर टैक्स ज्यादा होगा तो आपने जो एक्स्ट्रा टैक्स पे किया है इसका आप क्रेडिट ले लेना, इसका आप क्रेडिट ले लेना। तो बेसिकली इसका क्रेडिट अवेलेबल होगा मेरे को। अब क्रेडिट अवेलेबल तभी होगा जब आपको लगता है कि आगे चल के मेरा रेगुलर टैक्स ज्यादा होगा। मैट के रिगार्डिंग है ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें लिखने की जरूरत है, मैं लिखवा रहा हूं, एक एक पॉइंट करके लिखो। फॉर कैलकुलेशन ऑफ टेम्पररी डिफरेंसेस बुक प्रॉफिट अंडर मैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर कैलकुलेटिंग कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स ऑन temporary difference MAT rate is not relevant। ठीक है, तीसरा सबसे important point, MAT credit if recognized in books, MAT credit if recognized in books is treated as deferred tax asset। is treated as deferred tax asset। जब भी तुम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैट का क्रेडिट रिकॉर्ड करोगे तो उसको डीटीए बनाओगे। ठीक है ना, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम बस लिख लो, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार लिख लो, बस इतना लिख लो तो मजा आ जाएगा, फिर अपन वो पॉइंट नंबर वन कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर वन फिर अपना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कंपनी है इज रिकॉग्नाइजिंग द मैट क्रेडिट एज करंट असेट। ये गड़बड़ कर दी, हम मैट क्रेडिट को करंट असेट नहीं बनाते, डेफर्ड टैक्स असेट बनाते हैं। ठीक है ना, नॉट करंट असेट। करंट असेट नहीं बनाते,
तो अब करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल। हमारे पास मैट क्रेडिट कितना रखा है, 8.5 करोड़। सर ये आई गैप क्या है, आई गैप मतलब पुराने इंडेस एडॉप्ट करने से पहले के रूल्स, मतलब एएस, हमने उसको वहां पर मैट क्रेडिट को एज अ सेपरेट करंट असेट माना था। इंडेस में तुम्हें इसको डीटीए मानना है, तो तुम इसको 8.5 को डीटीए मानोगे। फिर नेक्स्ट ईयर ये डीटीए हो जाएगा 9.75, मतलब नेक्स्ट ईयर 9.75 माइनस 8.5, नेक्स्ट ईयर 1.25 का डीटीए और रिकॉग्नाइज होगा थ्रू पीएनएल। बस यही आंसर है, यही आंसर है। मैट क्रेडिट 9.75 करोड़ विल बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट एज डेफर्ड टैक्स असेट, डीटीए इन द करंट ईयर विल बी 1.25। भाई लास्ट ईयर तक 8.5 था, करंट ईयर में 9.75 बैलेंस शीट में शो होगा, तो पीएनएल में 1.25 का इफेक्ट होगा। सिंपल, डीटीए अकाउंट डेबिट टू पीएनएल 1.25, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान चीज हो गई। अब आते हैं अपन अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला। द कंपनी मेजर इट्स हेड ऑफिस प्रॉपर्टी यूजिंग रीवैल्यूएशन मॉडल। द कंपनी मेजर इट्स हेड ऑफिस प्रॉपर्टी यूजिंग रीवैल्यूएशन मॉडल। द प्रॉपर्टी इज रीवैल्यूड एवरी ईयर, द प्रॉपर्टी इज रीवैल्यूड एवरी ईयर ऑन 31st March। रीवैल्यूएशन मॉडल इंड एस 16, कंपनी अपने प्रॉपर्टी को इंड एस 16 के अकॉर्डिंग रीवैल्यू करती है और कह रही है कि हम एवरी ईयर 31st March को रीवैल्यू करते हैं। ऑन 31st March 16, द कैरिंग वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी आफ्टर रीवैल्यूएशन वॉज 40 करोड़, वेयर इज द टैक्स बेस वॉज 22 करोड़। एक बात आपको पता है, इनकम टैक्स में रीवैल्यूएशन इज नॉट देयर। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अगर जो वैल्यू दिख रहा है 22 करोड़ का, तो उस 22 करोड़ में रीवैल्यूएशन का इफेक्ट नहीं होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप रीवैल्यूएशन दिखाते हो, इनकम टैक्स में आप रीवैल्यूएशन नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। अब मेरे को सॉल्व करना है ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 पॉइंट नंबर बी, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st March 16, 31st March 16, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st March 16, अंडरस्टूड। यहां पर ये कह रहा है कैरिंग अमाउंट आफ्टर रीवैल्यूएशन 40 करोड़, कितना 40 करोड़, बट टैक्स बेस में कभी भी रीवैल्यूएशन का इफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब अगर मैं एक बार ये भी सोच लूं, अगर मैं एक बार ये भी मान लूं कि ये कैरिंग अमाउंट असेट की बिफोर रिवैल्यूएशन कितनी होगी, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं, अज्यूमिंग कैरिंग अमाउंट बिफोर रिवैल्यूएशन इज 22 करोड़। मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि रिवैल्यूएशन करने से पहले टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट एक जैसा होगा, टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट एक जैसा होगा रीवैल्यूएशन करने से पहले, और रीवैल्यूएशन करने के बाद कैरिंग अमाउंट बढ़ गया। आप सिर्फ 2016 पर ध्यान दीजिए, आगे पूरा क्वेश्चन अभी बहुत सारा बचा है, आप 2016 पर ध्यान दीजिए, ईयर एंडिंग 2016। अब ईयर एंडिंग 2016 में हमें यह चेक करना है कि किसी प्रकार का डेफर्ड टैक्स असेट या लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है क्या। अच्छा, टैक्स का जो रेट है वो 20% है, ठीक है,
टैक्स रेट 20% है। अगर मैं आपको ये बोलूं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि कंपेयर कैरिंग अमाउंट बिफोर रिवैल्यूएशन विथ टैक्स बेस, तो ऐसे केस में आप क्या बोलोगे? टेम्पररी डिफरेंस इज निल। पर अगर मैं आपको बोलूं कंपेयर कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवॉल्यूशन विथ टैक्स बेस, तो आप बोलोगे देयर इज अ टेम्पररी डिफरेंस ऑफ 18 क्रोर्स और दिस टेम्पररी डिफरेंस इज ड्यू टू रिवैल्युएशन। और अगर ये रिवैल्युएशन के चक्कर में टेम्पररी डिफरेंस है तो इसका मतलब अब बनेगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। कैसे लायबिलिटी? कैसे? टैक्स बेस कम है, कैरिंग वैल्यू ज्यादा है असेट की, मुझे कैरिंग वैल्यू को नीचे गिराना पड़ेगा। नीचे आ रही है, किस चीज का कैरिंग वैल्यू है? असेट का। असेट को नीचे ला रहे हैं मतलब लायबिलिटी। तो जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, देयरफोर क्रिएट डीटीएल ऑन 18 करोड़ एट द रेट ऑफ 20% थ्रू ओसीआई। मैं डीटीएल क्रिएट करूंगा 18 करोड़ के ऊपर 20% का ओसीआई के थ्रू, क्योंकि टेम्पररी डिफरेंस रिवॉल्यूशन के चक्कर में हुआ है। अगर मैं रिवॉल्यूशन नहीं करता तो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस सेम है, मतलब डेप्रिसिएशन के कारण कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो डेप्रिसिएशन के कारण अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो डीटीएल पीएनएल के थ्रू बनेगा ही नहीं। That is 3.6 crores एंट्री होगी ओसीआई रिवैल्युएशन सरप्लस डेबिट 3.6 टू डेफर टैक्स लाइबिलिटी 3.6। एंट्री कब होगी? 31st March 16। ये हो गया आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट, ये हो गया आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट, ठीक है ना? आप चाहें तो क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए। हमने अभी तक यहां तक किया है, दो तीन लाइनें बस, ठीक है ना? देख लीजिए, देख लिया आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 17, ईयर एंडिंग 17, द कंपनी चार्ज्ड डेप्रिसिएशन इन द पीएनएल 2 करोड़। कंपनी ने पीएनएल में डेप्रिसिएशन चार्ज किया 2 करोड़ का, मतलब बुक्स में, जबकि इनकम टैक्स में डिडक्शन लिया डेप्रिसिएशन का 1.25। ओ भाई, आप ध्यान से देखेंगे, लास्ट ईयर तक कैरिंग अमाउंट बिफोर रिवॉल्यूशन और टैक्स बेस सेम माना था, तो डेप्रिसिएशन के चक्कर में कोई भी डिफरेंस नहीं था। बट करंट ईयर में, मतलब 2017 एंडिंग में, अब तो डेप्रिसिएशन के चक्कर में भी डिफरेंस आ गया। मैं बुक्स में क्लेम कर रहा हूं 2, जबकि इनकम टैक्स मुझे बेनिफिट दे रहा है 1.25। ओके,
On 31st March 17, property was revalued to 45 crore. आपने next year के end में भी, मतलब 2017 ending में भी depreciation charge करने के बाद आपने उसको revalue कर दिया 45 पे. Understood? आपने revalue कर दिया 45 पे. Obviously आपने year ending पर revalue किया है 45, तो इसका मतलब आपने depreciation 2017 का 2 crore rupees का लगा लिया होगा. ये वाला 2 crore का depreciation लगा लिया होगा. As per the tax law, the revaluation of property, plant and equipment does not affect taxable income at the time of revaluation. Revaluation के time पर इसका कोई tax effect नहीं होगा. आगे चल के कल को ये asset sale होगी सचमुच में, तो इसका tax, इसके ऊपर tax लगेगा. Sale नहीं होगी, economic benefits मिलेंगे, तो economic benefits जब मिलेंगे तो उसके against हमारे पास depreciation तो रहेगा नहीं income tax में, तो इसका tax effect दिखेगा. The company has no other temporary differences other than indicated above. Company wants you to compute the deferred tax liability and charge or credit to the statement of profit and loss and OCI. ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से. For year ending 31st March. For year ending 31st March 17, for year ending 31st March 17, 31st March 17, 31st March 17 को थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, थोड़ा सा ध्यान से सोचिए. आपका ओपनिंग कैरिंग अमाउंट बिफोर रीवैल्यूएशन दैट इज 1st April 16 कितना था? 22. देखो ये रहा कैरिंग अमाउंट बिफोर रिवॉल्यूशन 22, 31st March 16, तो ये यही ओपनिंग बन जाएगा. इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया 2 का, तो इसका मतलब आपका 20 का हो गया. क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट विदाउट रिवैल्यूएशन इफेक्ट 20, टैक्स बेस ओपनिंग कितना था? 22. डेप्रिसिएशन कितना क्लेम किया? 1.25 का डेप्रिसिएशन क्लेम किया. तो ये हो गया 20.75. अब आप ध्यान से देखिए, टैक्स बेस क्लोजिंग आपका 20.75. मैंने रीवैल्यूएशन का इफेक्ट तो किया ही नहीं है. अब आप ध्यान से निकालिए टेम्पररी डिफरेंस ड्यू टू डेप्रिसिएशन ओनली. 20 माइनस 20.75. अच्छा, आप जानते हो ये डी टी ए होगा कि डी टी एल होगा? कैरिंग अमाउंट 20, टैक्स बेस 20.75. टैक्स बेस ऊपर है तो कैरिंग अमाउंट को भी मुझे ऊपर ले जाना पड़ेगा. असेट की बात चल रही है यहां पर, तो असेट बढ़ेगा डीटीए. तो ये आपका डिडक्टेबल डिफरेंस है. वैसे भी चेक करो ना, फ्यूचर में आपको ओवरऑल 20.75 पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा, जबकि आप क्लेम करोगे 20 का तो आपको ज्यादा ही मिलेगा.
तो इसके ऊपर आप क्रिएट करोगे 20%, पॉइंट वन फाइव आप क्रिएट करोगे डेफर्ड टैक्स असेट थ्रू पीएनएल। आप पीएनएल के थ्रू डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट करोगे, पीएनएल के थ्रू डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट करोगे। ये है एक पार्ट इस चीज का, इसको भी नोट कर लो एक बार। चलिए यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। पर हो क्या रहा है, वो बोल रहा है हमने प्रॉपर्टी को फिर से रीवैल्यू किया 45 में, फिर से रीवैल्यू किया 45 में। एक्चुअली क्या है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, या यूं कहो कि क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि थोड़ा सा उलझन है इस क्वेश्चन में। हमने प्रॉपर्टी को फिर से रीवैल्यू किया 45 पे, फिर से रीवैल्यू किया 45 पे, 45 पे आपने फिर से रीवैल्यू किया, अंडरस्टूड और नॉट? अब आप ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टी अगेन रीवैल्यूड ऑन 31 मार्च 17, अगेन रीवैल्यूड एट 45, ठीक है ना, 45 पे रीवैल्यू किया प्रॉपर्टी को आपने। टोटल रीवैल्यूएशन गेन टिल 31 मार्च 17, रिवैल्यूएशन गेन कैसे निकलेगा भाई? आपने 45 पे रिवैल्यू किया, जबकि आपकी जो असेट थी, अगर रिवैल्यू नहीं होती तो विदाउट रिवैल्यूएशन आपकी असेट 20 की होती, तो 25 का रिवैल्यूएशन गेन है, 25 का रिवॉल्यूशन गेन है, अंडरस्टूड और नॉट? इसका मतलब इस रिवॉल्यूशन गेन पर यह हो गया आपका टेम्पररी डिफरेंस, यह हो गया आपका टैक्सेबल, इधर भी हमने टैक्सेबल लिखा था ना, हाँ, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस ड्यू टू रीवैल्यूएशन। तो इसके ऊपर क्या क्रिएट होगा, डी टी एल एट द रेट ऑफ 20%, 25 का 20% 5, 25 का 20% 5, डी टी एल क्रिएट होना चाहिए, डी टी एल क्रिएट होना चाहिए, DTL होना चाहिए, मतलब DTL होना चाहिए 5 का। अब आप देखो, लास्ट ईयर में आप ऑलरेडी
रीवैल्यूएशन के कारण कितना डीटीएल बना चुके हो? 3.6। अब आपका डीटीएल कितना होना चाहिए? 5 का एज ऑन 31st March 17। डीटीएल थ्रू ओसीआई, ओसीआई के थ्रू आपका डीटीएल कितना बनना चाहिए? 5, मतलब ओवरऑल 5 तक का होना चाहिए एज ऑन 31st March 17। तो मुझे बताओ, एक छोटी सी वर्किंग अगर करें, थर्टी फर्स्ट मार्च 17, यहां पर DTL थ्रू OCI कितना था? 3.6। तो यहां कितना था? 5। तो इसका मतलब 16-17 में कितना और होना चाहिए? 1.4। क्या एंट्री पास करेंगे? OCI टू DTL 1.4। अंडरस्टूड। यहां पर DTA थ्रू P&L एज ऑन 31st March 16 जीरो, पर यहां पर वो होना चाहिए, DTA था ना कुछ 0.15। तो इसका मतलब 0.15 का DTA क्रिएट होगा, एंट्री होगी DTA डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 0.15। अंडरस्टूड सर। क्या एक ही आइटम ऑफ असेट के ऊपर DTL भी क्रिएट होगा, DTA भी क्रिएट होगा? हां, या तो आप इसको नेट ऑफ कर दो। अब नेट ऑफ कैसे करेंगे? नेट ऑफ कैसे करेंगे? ओवरऑल थ्री पॉइंट सिक्स होना चाहिए और ये थोड़ा सा डिडक्ट होके ये होना चाहिए 4.85। ये 4.85 होना चाहिए। 3.6 से 4.85 का डीटीएल हो गया, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इस एंट्री को कंबाइन करूं तो कुछ एंट्री ऐसी होनी चाहिए, ओसीआई डेबिट 1.4 ठीक है ना, टू P&L 0.15, टू DTL 1.25, कंबाइन एंट्री ये होनी चाहिए। कुल मिला के 31st March 17 में हमारा OCI पे इफेक्ट जाएगा 1.4 का, क्योंकि 3.6 से 5 होना चाहिए, और P&L में इफेक्ट जाएगा 0.15 का, क्योंकि डेप्रिसिएशन के चक्कर में 0.15 का DTA भी बन रहा है। ओवरऑल नेट DTL बनेगा, दिस इज नेट, मतलब उधर 1.4 का DTL बनना चाहिए और उधर 0.15 का DTA बनना चाहिए, तो हमने नेट बना लिया DTL। सिंपल, कहां से नहीं लिखा तुमने देखो।
डन। आपको आपके आंसर में यही मिलेगा, ये देखो फाइनल इफेक्ट आपका डीटीएल आया 1.25 का। टेक्निकली डीटीए बनना चाहिए 0.15 का थ्रू पीएनएल और डीटीएल बनना चाहिए 1.54 का थ्रू ओसीआई, पर आपने फाइनली डीटीएल बनाया नेट इफेक्ट ऐसा। तो इन्होंने टेबल फॉर्म में किया है, मैंने आपको टेबल फॉर्म में ना करवा के मैंने आपको कैलकुलेशन फॉर्म में करवाया है। सर कोई जरूरी है क्या कि हम टेबल फॉर्म ही करें या आपका ही फॉर्मेट करें? बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहां पर आप फॉर्मेट को ठीक है कर सकते हो, बट ये इंडिया 12 में ऐसा कुछ नहीं है। आई मस्ट से क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी इन्होंने जो भी मैंने आपको समझाया वो थ्योरी के फॉर्म में इन्होंने बोला है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, बी लिमिटेड इज अ न्यूली इनकॉर्पोरेट एंटिटी, इट्स फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर पीरियड एंड्स ऑन 31st March 2011, एज ऑन द सेट डेट फॉलोइंग टेम्पररी डिफरेंसेस एग्जिस्ट। फर्स्ट ईयर के एंड में हमारे पास कुछ टेम्पररी डिफरेंसेस पड़े, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस हमारे पास रखे हैं 9,000 रुपीज तक के बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। टैक्सेबल मतलब इनके ऊपर बनेगा कहीं ना कहीं DTL। दे आर एक्सपेक्टेड टू रिवर्स इक्वली ओवर नेक्स्ट 3 years। अच्छा 31st March 2011, यहां हमारे पास 9,000 के डिफरेंसेस रखे हैं, 12 में 3,000 रिवर्स होगा, 13 में 3,000 रिवर्स होगा, 14 में 3,000 रिवर्स होगा, ऐसे ये हुआ टैक्सेबल डिफरेंस। फिर हमारे पास कुछ डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंसेस रखे हैं 4,000 के, एक्सपेक्टेड टू रिवर्स इक्वली ओवर द नेक्स्ट 4 years, 4 साल में ही रिवर्स होगा। और आप जानते हो इसके ऊपर क्या बनता है, डिडक्टेबल के ऊपर डीटीए, और ये रिवर्स होगा हर साल 1,000, 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
टेम्पररी डिफरेंस रिवर्स होगा, हमारे पास टेम्पररी टैक्सेबल डिफरेंस रिवर्स होने के लिए नहीं पड़ा, तो फिर चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास 2015 में क्या टैक्सेबल प्रॉफिट अर्न करने की प्रॉबिलिटी है कि नहीं। चेक करते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट बी लिमिटेड विल कंटिन्यू टू मेक लॉसेस फॉर नेक्स्ट 5 years। ओहो, अगर एक एंटिटी आने वाले समय में लॉसेस में होने वाली है तो क्या उसको डीटीए बनाना चाहिए? जनरली नो। क्यों भाई? डीटीए बना रहे हो क्या सोचकर? यही ना कि फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी तो उसके अगेंस्ट हम डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस को माइनस करेंगे। आपके पास तो फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होने की संभावना है ही नहीं 5 साल में, तो आप डीटीए कैसे बना सकते हो? हाँ, दूसरा तरीका यह है कि क्या आपके पास एट प्रेजेंट कोई टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस रखे हुए हैं क्या? हमने यह भी पढ़ा हुआ है इंडिया 12 में। दूसरी संभावना यह है कि आपके पास कोई टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस रखे हुए हैं क्या? अगर आपके पास टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस रखे हुए हैं और वो भी अगले सालों में रिवर्स हो रहे हैं तो इट टेंटा अमाउंट्स टू फ्यूचर टैक्सेबल इनकम। तो मैं बता रहा हूं कि भाई मुझे 4000 में से 3000 की टेंशन नहीं है, क्योंकि जो ये 3000 है 11000 हर साल जब रिवर्स होंगे तो उसके अगेंस्ट टैक्सेबल डिफरेंस भी रिवर्स होगा, और टैक्सेबल डिफरेंस रिवर्स होने से कहीं ना कहीं टैक्सेबल इनकम क्रिएट होगी, तो टैक्सेबल इनकम क्रिएट होगी तो उसके अगेंस्ट 11000 का डिडक्शन पॉसिबल है। बट जो फोर्थ ईयर में डिडक्टेबल डिफरेंस रिवर्स हो रहा है
वो डिडक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिफ्थ ईयर में हमारे पास कोई टैक्सेबल इनकम जनरेट नहीं हो रही, इवन टैक्सेबल डिफरेंस के रिवर्स होने से भी कुछ नहीं हो रहा। तो कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि डीटीएल आपका 9000 पे बनेगा 30% के हिसाब से 2700, पर डीटीए आपका 3000 पे बनेगा 30% के हिसाब से 900 और आपका नेट इफेक्ट दिखेगा 2700 माइनस 900 1800। वैसे ये नेट इफेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं, आप डीटीए डीटीएल अलग अलग भी दिखा सकते हो अगर आपका डीटीए किसी और रीजन से क्रिएट हो रहा है और डीटीएल किसी और रीजन से क्रिएट हो रहा है, तो एक काम करो नेट मत दिखाओ। सवाल ये उठता है कि मैं बाकी के बचे हुए 1000 पे डीटीए क्यों नहीं क्रिएट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि फ्यूचर में ये 1000 का डिडक्शन मुझे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिडक्शन के लिए मेरे पास टैक्सेबल इनकम होना चाहिए, टैक्सेबल इनकम 2005 में मेरे पास नहीं है, मैं लॉसेस में हूं, तो बस इतना क्रिएट होगा। हाँ, अगर मेरे को आगे चल के एक दो साल में 2005 का वापस से टैक्सेबल इनकम का कोई प्रोबेबिलिटी आ गया तो मैं डेफिनेटली आगे चल के इस 1000 के ऊपर फिर से बना लूंगा। बस यही था सवाल, एक बार आप चाहें तो 2 मिनट आंसर देख सकते हैं। आप ये भी सोल्यूशन देख सकते हैं लेक्चर को पॉज करके, अगर आपको कोई डाउट हो कुछ थ्योरी में। सर इस टाइप का ये थ्योरी लिखना पड़ेगा, देखो जहां जहां थ्योरी लिखना जस्टिफाइड है, जहां जहां आपको मतलब क्या बोलते हैं अपने आपके अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए जहां आपको थ्योरी लिखना है वो तो जरूरी पड़ेगा। मैं ये कह सकता हूं कि इंडिया 12 में भले प्रैक्टिकल आप देखते हो पर आपको थ्योरी लिखना भी जरूरी है। क्वेश्चन बैंक से आपको ये समझ में आएगा कि हाँ यार इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स कैसे कैसे होते हैं। मैंने इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स में कुछ भी बदलाव नहीं किया है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में एक छोटा करेक्शन कर लीजिए, यहां 2018 की जगह 2019 है और यहां 2020 है, ये एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिए पहले तो, ये एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ये प्योर आपके आर्टिकलशिप में भी आप अप्लाई करते हो, अगर आपने कभी डीटीए डीटीएल बनाया होगा, इनकम टैक्स में ब्लॉक ऑफ असेट को कॉन्सेप्ट है, जबकि बुक्स में कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगता है, डे वाइज डेप्रिसिएशन लगता है, जब आप असेट को सेल करते हो तो इनकम टैक्स में पूरे ब्लॉक में से सेल प्रोसीड माइनस होता है, जबकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल ऑफ असेट के ऊपर गेन ऑन सेल और लॉस ऑन सेल बुक होता है, उस गेन और सेल और लॉस ऑन सेल का इफेक्ट इनकम टैक्स में कुछ नहीं होता। क्वेश्चन बहुत आसान है और सॉल्यूशन भी पता है, सच बताऊं तो 2 लाइन का सॉल्यूशन है, बहुत आसान सॉल्यूशन है बट इंटरेस्टिंग है, मैं डिस्कस जरूर करूंगा इसको। पहले 2019 और 2020 कर लो पहले तो। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान, बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 10
What is the tax effect of sale of property, plant and equipment, considering the block of asset approach followed under Income Tax Act? मैं इस क्वेश्चन पर वापस आऊंगा. इस क्वेश्चन के कंटिन्यूशन में ही आगे चीजें बताई गई हैं, पर एंड में मैं इसी क्वेश्चन पे आके कंक्लूजन भी दूंगा. कंपनी हैज अ ब्लॉक ऑफ असेट विद अ WDV ऑफ 1 लाख ऑन 1 अप्रैल 18 फॉर टैक्स पर्पस. बुक वैल्यू ऑफ असेट फॉर अकाउंटिंग पर्पस इज 1 लाख. अब सुनो, फर्स्ट अप्रैल 18, फर्स्ट अप्रैल 18 में कैरिंग अमाउंट 1 लाख, टैक्स बेस 1 लाख, कैरिंग अमाउंट 1 लाख, टैक्स बेस 1 लाख, ठीक है. तो नो टेम्पररी डिफरेंस, सिंपल. आगे बढ़ते हैं. 31 मार्च 19 कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस. आइए, असेट्स आर डेप्रिशिएटेड ऑन WDV बेसिस एट 25% पर एनम फॉर बोथ अकाउंटिंग एंड टैक्स पर्पस. अरे वाह, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और इनकम टैक्स में, दोनों में 25% टैक्स लगता है. बढ़िया है. इसका मतलब यहां पर आपकी कैरिंग अमाउंट हो जाएगी 75, यहां पर आपका टैक्स बेस हो जाएगा 75. 75 75. अगेन, नो टेम्पररी डिफरेंस, कोई भी टेम्पररी डिफरेंस नहीं है. आगे, ऑफ द इंटायर ब्लॉक असेट कॉस्टिंग रुपीज 5000 एज ऑन 1 अप्रैल. एक सेकेंड, सुनो, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया. ये 18 ठीक है, ये 2018 ठीक है, ठीक है ना. हाँ, असेट कॉस्टिंग रुपीज 5000 ऑन 1 अप्रैल 2018 वर सोल्ड फॉर 10,000 ऑन 31 मार्च 20. एक ऐसी असेट जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 5000 थी, यहां पर 1 अप्रैल 18 में 5000 की असेट थी, दो 18-19 का डेप्रिसिएशन लग गया होगा 25% का, उसको हमने 2020 में सेल किया 10,000 में. आइए मैं आपको समझाता हूं. 31 मार्च 20 की वर्किंग में क्या होगा. अगर मैं कैरिंग अमाउंट की बात करूं, अच्छा, वो जो असेट थी 1 अप्रैल 18 में 5000 की थी, March 20 को आपने सेल किया, तो 2 साल बाद सेल किया, तो बेसिकली जो असेट आपके पास 5000 की थी उसके ऊपर आपने 25% का डेप्रिसिएशन और अगेन 25% का डेप्रिसिएशन पूरे साल भर का लगाया होगा 2 बार, और फिर आपने इसको सेल किया 10,000 में. तो यहां उसकी WDV क्या हो गई होगी बुक्स में, 5000 माइनस 25% माइनस 25% 2812 मान ले. आप जानते हो 2812 की WDV होगी उस असेट की. कैरिंग अमाउंट ओवरऑल अगर देखें तो ओपनिंग वैल्यू था 75 माइनस डेप्रिसिएशन 25% तो
तो ये हो गया 56250 और माइनस 2812 असेट सोल्ड डी रिकॉग्नाइज्ड। अरे भाई, मैंने असेट को बेच दिया तो जो रिमेनिंग WDV असेट बचा होगा, मैंने बेचा होगा तो एंट्री क्या की होगी, मैंने बेचा होगा तो एंट्री की होगी 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू असेट 2812 और टू गेन 7188। मैंने बेसिकली इस तरीके से एंट्री की होगी, देखिए, तो मैंने असेट को डीरिकग्नाइज किया 2812 से, तो ईयर एंड में मुझे 2812 से डीरिकग्नाइज करना पड़ेगा। मेरा फाइनल क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट कितना बचा, ₹53438। जबकि टैक्स बेस मतलब इनकम टैक्स रिकॉर्ड में ओपनिंग कितना 75, इनकम टैक्स में आपको पूरा सेल प्रोसीड्स माइनस करना पड़ता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले। जब भी आप असेट सेल करते हो तो आपको सेल प्रोसीड माइनस करना पड़ता है। ठीक है, सेल प्रोसीड माइनस करना पड़ता है और माइनस फिर आप डेप्रिसिएशन करोगे 25%, तो आपका रिमेनिंग टैक्स बेस 48750 का बचेगा। अब आप देख लो, यहां पर आपका कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस डिफरेंट है, तो बताओ आपका टेम्पररी डिफरेंस 4688 हुआ कि नहीं, टेम्पररी डिफरेंस 4688 हुआ कि नहीं, और ये टेम्पररी डिफरेंस कैसा है, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, फ्यूचर में मुझे टैक्स का बेनिफिट, मुझे डेप्रिसिएशन का बेनिफिट अप टू 48750 तक मिलेगा, मैं क्लेम करूंगा 53 तो डिसअलाउ हो जाएगा बाकी का। DTL क्रिएट करना चाहिए 40%, 40% ₹18,75 का DTL क्रिएट होना चाहिए। क्या किया, कुछ नहीं, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस कंपेयर कर लिया, 1875 का DTL क्रिएट होना चाहिए। आपका सॉल्यूशन ऐसे ही होगा, ये होती है बैलेंस शीट अप्रोच और इंडियस बैलेंस शीट अप्रोच ही फॉलो करता है, पर जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना वो P&L अप्रोच से लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस का है जितना मुझे पता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पर अगर आप मुझसे बोलोगे सर ये जो सॉल्यूशन है ये किसी और तरीके से सॉल्व किया गया है वो करवा के बताओ, तो मैं आपको वो भी करवा के दूंगा। देखो, मैं आपको अल्टरनेट तरीके से सॉल्यूशन देता हूं। 1920 का डेप्रिसिएशन कितना है, या 1920 में डिफरेंस ड्यू टू डेप्रिसिएशन कितना है, 1920 में आपने बुक्स में जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया और टैक्स रिकॉर्ड में जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ उसको देख लेते हैं। बुक्स में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 75,000 के ऊपर, मतलब 18750,
और टैक्स रिकॉर्ड में जो आपने चार्ज किया वो 65,000 के ऊपर चार्ज किया, मतलब 16,250, मतलब 2500 का डेप्रिसिएशन के कारण डिफरेंस हुआ। और दूसरा गेन ऑन सेल ऑफ असेट कितना है, तो गेन ऑन सेल ऑफ असेट है 7188। जब आप इसका नेट ऑफ करोगे तो आपका 4688 आएगा। ये गेन है और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो 4688 आपका डिफरेंस आएगा। और यहां देखो हमारा 4688 ही आया था। बेसिकली जो मैंने आपको अल्टरनेट वन करवाया ना, यही आपको सॉल्यूशन इसी तरीके से करना है, क्योंकि इन डेज के अकॉर्डिंग ऐसा ही करना है। सॉल्यूशन जो किया हुआ है वो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से किया गया है, जो कि नहीं करना चाहिए। अल्टरनेटिवली मैंने आपको ओल्ड सिलेबस का भी फंडा बता दिया, आपको इनकम अप्रोच बता दी कि भाई कैसे होता है। दिस इज इनकम अप्रोच, दिस इज फर्स्ट वाला बैलेंस शीट अप्रोच, फर्स्ट वाला ये नोट कर लो, पिछला वाला भी नोट करने को दूंगा। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर ये समझ नहीं आया, 75 में से डेप्रिसिएशन चार्ज किया फिर आपने ये 2812 माइनस क्यों किया। बेटा ये जो 2812 वाली असेट है ये भी पूरे साल भर यूज हुई है, तो अल्टीमेटली 75,000 में इसका वैल्यू शामिल था, तो हमने 25% का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर भी लगा लिया, फिर ईयर एंड में देखा कि असेट को बेच दिया तो रिमेनिंग वैल्यू हमने डीरिकॉग्नाइज कर दी। सिंपल, दैट्स क्वेश्चन नंबर 10। इलेवन में लास्ट में आता हूँ क्योंकि इलेवन में कुछ खास दम नहीं है, मैं पहले ट्वेल्व पे आता हूँ। वैसे ट्वेल्व भी काइंड ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन है, पर ठीक है। फर्स्ट अप्रैल 11 अक्वायर्ड 12 करोड़ शेयर्स 80% स्टेक। अगर 12 करोड़ शेयर 80% स्टेक होता है तो टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग हो गए 15 करोड़। आउटस्टैंडिंग शेयर्स बी लिमिटेड के हो गए 15 करोड़, और अगर 15 करोड़ बी लिमिटेड के आउटस्टैंडिंग शेयर्स है जिनमें से हमने 12 करोड़ खरीदे हैं तो बाकी का 3 करोड़ हो गए एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बाय मींस ऑफ अ कैश पेमेंट ऑफ 25 करोड़। 25 करोड़ इज अ पीसी वैल्यू परचेज कंसिडरेशन, इट इज अ ग्रुप पॉलिसी टू वैल्यू द एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू। ये लोग एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। मेरे को यहां से एक चीज समझ, मेरे को एक चीज बोलनी है, स्पेशली बोलनी है। हो सकता है कोई कुछ बच्चे डीमोटिवेट हो जाए, बट माफ करिएगा, सॉरी, बट ओल्ड सिलेबस से कुछ बच्चे कन्वर्ट होके न्यू सिलेबस में आए हैं, ऑल राइट। उन बच्चों ने इंक्वायरी किया कि सर हम आपका कौन सा बैच लें, सुपर 50 लें कि बूस्टर फास्ट ट्रैक लें या रेगुलर लें। तो मैंने बोला रेगुलर तो बिल्कुल मत लेना, सुपर 50 इज द हाईली रिकमेंड बैच फॉर दो स्टूडेंट जो कन्वर्ट हुए हैं ओल्ड से न्यू में। क्योंकि क्या है, ओल्ड से न्यू में जब कन्वर्ट हुआ होता है ना बच्चा, तो उसको पुराना नॉलेज है और नया नॉलेज इतना बदल चुका है, नया चीज इतनी नई आ चुकी है कि वो गड़बड़ हो सकती है। अब अगर उस बच्चे ने सुपर 50 ना लेके बूस्टर लिया होगा, हालांकि मैंने बूस्टर में भी अनाउंसमेंट में ये बोला था कि अगर उस बच्चे के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ना के बराबर टाइम है, तो वो बूस्टर ले सकता है, बट सुपर 50 इज स्टिल द बेस्ट। अब टाइम ही नहीं है सुपर 50 करने का, तो ठीक है बूस्टर में हम क्या कर सकते हैं, बूस्टर करना ही पड़ेगा। अब यहां आके ना ऐसे क्वेश्चन में बच्चा आके अटक जाएगा, बच्चा बोलेगा एनसीआई को फेयर वैल्यू पे कर सकते हैं, ये क्या होता है सर, मुझे तो कभी आपने पढ़ाया ही नहीं है सर, ये चीज मेरे ओल्ड सिलेबस में तो थी नहीं सर, कहां से ये चीज आ गई, ये तो आपने इंडोस्टेल में तो पहले तो बात की नहीं थी। दिस इज द रीजन व्हाई आई वाज टेलिंग कि बेटा तेरे लिए सुपर 50 बेस्ट है, बट तेरे को समझ में नहीं आई अगर तू बूस्टर ले रहा है। तो यहां पर आगे अगर तू अटक रहा है ना,
तो ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज कृपया करके अपने फैकल्टी के ऊपर ना उंगली मत उठाना कि देखो ना वो क्वेश्चन समझाते नहीं है। मैं समझाऊंगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि जो ये बैच बच्चा देख रहा है वो पहले ना पहले कभी ना कभी वो एफआर कर चुका है, भले उसका गया गुजरा एफआर हुआ है, पर उसको क्या होता है बेसिक से बेसिक टर्म पता होता है कि एनसीआई क्या होता है, एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करना पड़ता है, ये सब उसने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है। ओल्ड सिलेबस को इसकी एबीसीडी भी नहीं पता, इसलिए थोड़ा सा वो गड़बड़ हो जाता है। द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ओल्ड सिलेबस वाला बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। अगर वो थोड़ा सा शार्प माइंडेड होगा, अच्छे से समझने की कोशिश करेगा तो समझ भी जाएगा। तो जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, जिसको ओल्ड सिलेबस में माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते थे, उनको हम फेयर वैल्यू पर मेजर करेंगे। और बी लिमिटेड के एक शेयर की वैल्यू है 2 करोड़, तो टेक्निकली मेरा एनसीआई जो कि 3 करोड़ है, 3 करोड़ नंबर्स है, वो 2 रुपए के हिसाब से 6 करोड़ का वैल्यू हो जाएगा। फर्स्ट अप्रैल 11 द इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन बी शो द नेट असेट्स ऑफ 23। बी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नेट असेट शो हो रहे हैं 23 करोड़ के, मतलब बुक वैल्यू। हम जब भी बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हैं तो बुक वैल्यू पर नेट असेट्स को रिकॉर्ड नहीं करते, फेयर वैल्यू पे करते हैं। डायरेक्टर्स ऑफ ए कैरिड आउट अ फेयर वैल्यू एक्सरसाइज टू मेजर द आइडेंटिफाइबल असेट लायबिलिटी, फॉलोइंग मैटर्स इमर्ज्ड। एक प्रॉपर्टी है, जिसकी कैरिंग वैल्यू 15 है और हमने उसको 18 करोड़ के मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है, मतलब 3 रुपए हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब जहां पर नेट असेट्स बुक वैल्यू 23 हम तो रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे, उसमें हम 3 रुपीज ऐड कर रहे हैं क्योंकि एक असेट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। प्रॉपर्टी में दूसरा एक प्लांट है, इक्विपमेंट, जो कि 11 करोड़ का कैरिंग वैल्यू है और मार्केट वैल्यू 13 करोड़ है। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी 2 करोड़ आपका वैल्यू बढ़ गया। इन्वेंट्री है 2.5 करोड़ का, जबकि फेयर वैल्यू हो गया 3 करोड़ का, तो 0.5 से इन्वेंट्री भी बढ़ गया। तो ये हो गया 28.5 फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स उर्फ कैरिंग अमाउंट, ये बन गया तेरा कैरिंग अमाउंट। और ये तू मान लेगा, इसको अज्यूम करेगा कि ये टैक्स बेस है, जो कि पुरानी बुक वैल्यू है बी लिमिटेड में। बस 28.5 माइनस 23, तो 5.5 का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, 5.5 इसके ऊपर टैक्स रेट 20%, वन का DTL बनेगा। अब रिकॉर्डिंग क्या होगी, नेट असेट्स टू डेबिट कर रहा है 28.5 के, टू DTL क्रेडिट कर रहा है 1.1 का। तुम चाहो तो DTL को नेट असेट्स के साथ नेट ऑफ भी कर सकते हो। टू PC तू 25 का PC दे रहा है, टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 6 रुपए का, तो तेरा गुडविल आ जाएगा 3.6 का गुडविल आ जाएगा, 3.6 का डेफर टैक्स लायबिलिटी तूने क्रिएट किया 1.1 का।
और उस 1.1 के डेफर टैक्स लायबिलिटी को तो नेट एसेट से लेस करेगा, तो तेरा अल्टीमेट तेरे नेट एसेट होंगे 27.4, तू इसको रिकॉर्ड कर सकता है या तो तू इस तरीके से कर सकता है। जो गुडविल आई है उसके ऊपर डीटीए रिटेल क्रिएट नहीं होगा, ये तेरे को नोट डालना पड़ेगा। हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है, देख लो। ऑल राइट, पहले मैं तुझे दिखा देता हूँ आगे की चीज़ें कैसे हैं। क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट एग्जाम पेपर, कई सारे एग्जाम पेपर में तो ये क्वेश्चन इंडिया स्टॉल में से डायरेक्ट आया नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसको तू एक बार देख ले, वो रिपीटेड क्वेश्चन है। हमने ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 या 3 किया था, ठीक है ना, हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया हुआ है। सब्सिडरी के पास लॉसेज हैं, आने वाले फ्यूचर में सब्सिडरी प्रॉफिट्स नहीं कमा पाएगा, पर होल्डिंग कंपनी से वो प्रॉफिट को भी, होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट से उस लॉस को वो सेट ऑफ नहीं कर पाएगा, इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है, तो इसके ऊपर डीटीएल नहीं बनेगा, डीटीए नहीं बनेगा। लोन लिया है 50 लाख का, उधर वैल्यू चेंज थी क्वेश्चन नंबर 2, 3 में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर ये क्वेश्चन करना था, तुम्हें याद होगा। तो यहाँ पर हमें टैक्स बेस तो एक्चुअल जो लोन वैल्यू है उसके बेसिस पर कर होगा, पर जो बुक वैल्यू है, कैरिंग वैल्यू है, वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पर, प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पर हम निकालेंगे, जिसके बेसिस पे हम डीटीए रिटेल बनाएंगे। तो ये सिमिलर है, सिमिलर है ये क्वेश्चन 2 से। क्वेश्चन नंबर 14 जनवरी 21 में पूछा गया था, आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कैरिंग अमाउंट, टेम्परेरी डिफरेंस, फेयर वैल्यू, गुडविल के ऊपर नहीं निकलेगा, बाकी ओवरऑल जो भी डेटा रिटेल निकलेगा उसको गुडविल का इफेक्ट करेगा। सेम टू सेम, सिमिलर है, और अभी भी हमने ये क्वेश्चन किया, सिमिलर टू क्वेश्चन 12। दिसंबर 21 अटेम्प्ट में देखो कौन सा क्वेश्चन आया था, आपके पास टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस हैं 124 के, जो कि नेक्स्ट 4 ईयर्स में रिवर्स होंगे। आपके पास डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस हैं 80,000 के, जो नेक्स्ट 5 ईयर्स में रिवर्स होंगे। तो 80 डिवाइडेड बाय 5, 16, 16, 16, लास्ट वाले 16 के ऊपर डीटीए नहीं बनेगा, बाकी 80 माइनस 16, बाकी 64,000 के ऊपर डीटीए बनेगा, और इधर 124 के ऊपर पूरा डीटीएल बनेगा, ठीक है। तो ये आपका सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 8 या 9 था, 9 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 9 का। और लास्ट एक आपको जान के खुशी होगी, मैं कई बार कहता आया हूं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अपने टेलीग्राम पे, अपने यूट्यूब पे, कि जो इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली क्वेश्चंस जो नए ऐड किए, अरे मैक्सिमम क्वेश्चंस उन्होंने आरटीपी एमटीपी से ही रिपीट किए, हार्डली 8-10 क्वेश्चंस उन्होंने नए डाले हैं, ये वाला क्वेश्चन भी उन्होंने रिपीट किया है। आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन डिट्टो सेम टू सेम हम कर चुके हैं, सेम टू सेम डिट्टो आज ही की क्लास में हमने किया है, सेम टू सेम किया है। गुडविल 490 आ रहा है, बिल्कुल सेम है, मैं आपको दिखाऊं,
आरटीपी नवंबर 21 होगा मेरे हिसाब से, ये नवंबर 20, सॉरी आरटीपी नवंबर 20 वाला, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5। सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5, अंडरस्टूड? सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5। तो 16 क्वेश्चंस तक हम पहुंच गए, बस एक 11वां नंबर क्वेश्चन बच गया, आ जाओ। वो भी फॉर्मेटिंग पर बात कर रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको पढ़ के ऐसा रियलाइज होगा कि सर ये एनडीएस 12 का क्वेश्चन है कि कोई और जगह का क्वेश्चन है। एक पॉइंट में तो मुझे भी ऐसा लगा। ड्यूरिंग 4-5 चेरी लिमिटेड डिस्कवर्ड दैट सम प्रोडक्ट हैव बीन सोल्ड ड्यूरिंग 3-4 वर इनकरेक्टली इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री। हुआ ये कि कुछ गुड्स को हमने सेल कर दिया, पर फिर भी जिस साल में सेल किया उसी साल के क्लोजिंग स्टॉक में हमने उन गुड्स को वापस से दिखा दिया। क्लोजिंग स्टॉक में सेल करने के बावजूद हमने उसको क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक का पार्ट दिखा दिया। अगर हमने उसी साल के क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट दिखाया होगा तो उस साल में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया होगा, और बढ़े हुए क्लोजिंग स्टॉक के कारण आपका एक्सपेंस कम हो गया होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हो? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। अगर आपने ईयर 4-5 में, हाँ 4-5 में, 4-5 में तो रियलाइज हुआ, ईयर 3-4 में आपने कुछ गुड सेल किए तो आपके 3-4 के क्लोजिंग में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखना चाहिए, वो तो गुड सेल हो गए ना। पर थ्री फोर के एंड में आप उनको क्लोजिंग स्टॉक भी दिखा रहे हो। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहे हो और मैं आपको बोलूं कि 3-4 का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालो, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग करते वक्त माइनस आपने 6500 ज्यादा कर दिया, जिसके आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब ओवरऑल एक्सपेंस गिर गया। तो 3-4 में सेल तो आपने दिखाई है पर एक्सपेंस गिरा दिया क्योंकि आपने क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया। यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। चेरी लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर 4-5 शो द सेल ऑफ 104 एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 86,500 इंक्लूडिंग 6500 फॉर द एरर इन ओपनिंग स्टॉक एंड इनकम टैक्स 5250। और उसका 3-4 के रिकॉर्ड ये हैं। मैं आपको मुद्दे पे आऊं, उसका पता है 3-4 का सेल सही है, सेल सचमुच में 3-4 में हुआ तो सेल रिकॉर्ड हो गई, बट गलती क्या हुई कि 3-4 में हमने क्लोजिंग स्टॉक भी दिखा दिया उसी गुड्स को जो सेल हो चुका है। क्लोजिंग स्टॉक दिखाने से सीओजीएस कम हो गया होगा, मुझे सीओजीएस मेरा ये गलत होगा, मेरा करेक्ट सीओजीएस 53,500 प्लस 6500 60,000 होगा मेरे साथ, हाँ करेक्ट सीओजीएस 60,000 होना चाहिए 3-4 का। और अगर वो 60,000 होना चाहिए तो आपका कुल मिला के प्रॉफिट बदल जाएगा, प्रॉफिट बदलेगा तो आपका इनकम टैक्स बदलेगा, बस दैट्स इट। 3-4 ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग वॉज 20, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है बात की बात है। अब आप नेक्स्ट ईयर 4-5 में आओगे, 4-5 में आपकी सेल 104 सही है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बड़ा हुआ है क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक दिखाया था पिछले साल तो यही कैरी ओवर होके करंट ईयर में ओपनिंग स्टॉक दिख गया होगा, और ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखाने की वजह से आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ गया होगा। तो कायदे से आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये गलत है, आपका करेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होना चाहिए 86,500 माइनस 6,500, मतलब आपने 6,500 पिछले वाले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को बढ़ा दिया और करंट ईयर के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को घटा दिया, ये होगा आपका 80,000 आपका सीओजीएस होगा। 80,000 के कारण आपका प्रॉफिट वापस से निकलेगा और आपका टैक्स इनकम टैक्स भी कुछ और निकलेगा, नीचे वो आपको रिजर्व्स की डिटेल दे रहा है, ओपनिंग रिजर्व्स जिसमें करेक्ट प्रॉफिट आप ऐड करते करते आप एक्सट्रैक्ट बना लोगे। वो आगे बोल रहा है शो हाउ द अबव विल बी ट्रीटेड और अकाउंटेड इन चेरीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नोट्स एंड रेलेवेंट एज पर द रेलेवेंट इंडेक्स। कुछ नहीं है आपको, आप देखो आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ठीक किया है सिर्फ, जिससे आपका प्रॉफिट बदल गया, जिससे आपका इनकम टैक्स बदल गया, अंडरस्टूड, और फाइनल प्रॉफिट भी बदल गया,
जहां आपका फाइनल प्रॉफिट 9450 आ रहा है और पहले आ रहा था 14,000, अभी और करंट ईयर में 16,800 आ रहा है और पहले कुछ और आ रहा था। तो इससे क्या होगा, आपका रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग रिजर्व 20,000 के थे, करेक्ट प्रॉफिट 9450 पिछले साल का और इस साल का करेक्ट प्रॉफिट 16,800, आपके ये एक्सट्रैक्ट है बस। और नोट्स में भी आप दिखाओगे कि किसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट हुआ। 3-4 में आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड्स बढ़ गया, इंक्रीज करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड्स इंक्रीज होने की वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम होने की वजह से आपका टैक्स एक्सपेंस भी कम हो जाएगा, इतने से प्रॉफिट भी आपका गिर जाएगा क्योंकि ज्यादा एक्सपेंस दिखा रहे हो। गिरे हुए प्रॉफिट के कारण आपका ईपीएस भी गिर जाएगा, इन्वेंट्री आपकी कम हो जाएगी, इनकम टैक्स पेबल आपका कम हो जाएगा और अल्टीमेटली आपके इक्विटी में इतने से कम असर पड़ेगा, आपका इक्विटी इतने से कम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है, इंड एएस 12 पूरी तरीके से तो नहीं बोल सकता मैं, लग रहा है, बट आपके प्रॉफिट बदल गए कुछ गलती के कारण, आप उन प्रॉफिट को ठीक कर रहे हो, आपके इनकम टैक्स एक्सपेंसेस को भी आपको ठीक करना पड़ रहा है और आपको वापस से एक्सट्रैक्ट एक प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ रहा है, दैट्स इट। इस टाइप के क्वेश्चन आमतौर पर कम पूछे जाते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट एक बार देख के जरूर जाना, एमटीपी का मार्च 21 का है, ठीक है ना। मार्च इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मॉक टेस्ट पर कभी कभार दो सीरीज में होता है, सीरीज वन सीरीज टू, तो ये सीरीज वन थी मई 21 अटेम्प्ट के लिए, सीरीज टू अप्रैल में आता है, मार्च में सीरीज वन सीरीज टू अप्रैल में मॉक टेस्ट पेपर्स का। इसी के साथ हमारा आज का ज्ञान यहीं पर खत्म, क्वेश्चन बैंक यहीं पर खत्म, क्वेश्चन बैंक इंड एएस 12 का क्वेश्चन बैंक यहीं पर ओवर। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, कोई भी डाउट हो तकलीफ हो ग्रुप जो बनाया गया है उसमें जरूर डाउट्स पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़।